Good morning, everyone, and wishing you all a very happy new year. क्या प्लान है नए साल का? क्या करें? अच्छा, क्या होना चाहिए? पार्टी होनी चाहिए क्या? सिलेक्शन के बाद पार्टी? पार्टी विल बी हैपन बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई. तो आज से हम एक नया सेक्शन शुरू करेंगे, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति. और आपके पास सिलेबस है कि जिस भी सेक्शन को हम पढ़ते हैं, हमारा प्राइमरी पर्पज ये होता है कि उसमें क्या क्या लिखा गया है. तो सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए. और क्वेश्चन पेपर आपके पास है, तो हमने पहले आपको बताया था कि फॉरेन पॉलिसी का सेक्शन तुलनात्मक रूप में काफी सरल माना जाता है. कंपैरेटिवली इट इज वेरी इजियर. जैसे कि आप देखेंगे थियरी वाला सेक्शन है, थिंकर वाला थोड़ा उसमें, लेकिन ये इजियर तो है लेकिन लिखने में कठिन है. देखिए, हमारे सिलेबस में दो चीजें हैं. पहला तो फॉरेन पॉलिसी जो बिल्कुल जीएस का ही पार्ट है, दूसरा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, वो भी जीएस का पार्ट है. लेकिन ये दे आर द इजीएस्ट सेक्शन. और जो चीज़ बहुत देखने में सरल लगती है, हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, उसमें स्कोर करना बहुत टफ होता है. तो उसमें दो कंडीशन होती है, तो आप अच्छे स्कोर पाएंगे, खराब स्कोर पाएंगे, बीच बीच वाली कंडीशन नहीं होती. थियरी थॉट के साथ कम से कम ये एडवांटेज है कि आपको बेसिक बातें अगर समझ में आ गई तब लिख देंगे उसको, और एक एवरेज नंबर आपको मिल ही जाएगा. तो हर सेक्शन के अपनी एडवांटेजेस कंडीशन है, उसके डिसएडवांटेज भी है. जो चीज़ अच्छी है वो कई बार बुरी भी हो जाती है. इसलिए हमेशा क्वेश्चन पेपर साथ में रखेंगे. इस सेक्शन में हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान लिखने पे होगा, क्योंकि इस सेक्शन में कोई भी, देखिए कई बार अपने फर्स्ट पेपर में अगर कभी ध्यान से उठा के पेपर देखे, जो लोगों ने पढ़ रखा है फर्स्ट पेपर के पेपर को, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते. कई बार ऐसा हो जाता है कि जब ज़्यादा पढ़ने पर लगातार वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में कोई सवाल आप प्रीवियस ईयर के देख लीजिए, ऐसा नहीं होगा आपको समझ में नहीं आ रहा है. लिखने में इम्पोर्टेंट है क्या पॉइंट हम लिखें, कैसे अच्छा बना के लिखें, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल सिस्टम का क्वेश्चन तो सभी लोग अटेम्प्ट कर देते हैं और लिखने का दावा करते हैं. इसलिए हमें इस पार्ट पे लिखने का खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए. और लिखने की प्रैक्टिस लिए पहला क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिए. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितनी भी बातें हैं कि पहले टॉपिक से क्या पूछा गया, किस नेचर का सवाल है, वो सारा लिस्ट बना ली. 3-4 साल के पेपर को एक साथ आप रखिए, फिर आप एक एक टॉपिक वाइज लिस्ट बनाइए. पड़ोसी देश के साथ कितने इंपॉर्टेंट है, पहले टॉपिक से कितना सवाल आया, मेजर पावर से कितने सवाल हैं, अफ्रीका लैटिन अमेरिका से कितने क्वेश्चन पूछे गए. और आप सिलेबस का अगर नेचर आप देखेंगे, तो हमारे सिलेबस में इंडिया फॉरन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि भारत और पड़ोसी देश, और पड़ोसी देशों के साथ जो समस्याएं लिखी हैं उनके साथ जल विवाद, क्षेत्रीय सहयोग. यानी हमारा सिलेबस ये नहीं कह रहा है कि भारत का एक एक पड़ोसी देशों के साथ संबंध पूछा जाएगा. और इनफैक्ट जीएस में भी लगभग यही बात लिखी गई है. और दूसरा, जब हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं फॉरेन पॉलिसी का, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि भारत एनपीटी, सीटीबीटी, भारत यूनाइटेड नेशन, इंडिया डब्ल्यूटीओ, तो वो हम आईआर के फर्स्ट पार्ट को पढ़ते समय कवर करेंगे. क्योंकि डब्ल्यूटीओ हम फर्स्ट पार्ट में बताते हैं, फिर आपको उसमें इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ, इंडिया एंड यूएन, तो काफ़ी बातें तो इसे फर्स्ट पार्ट में कवर हो जाती है. दूसरी, जब भी हम फॉरेन पॉलिसी के पार्ट को पढ़ते हैं, तो एक बार किताब तो आपको मिली गई हो, जिनको किताब नहीं मिली होगी वो किताब ले लेंगे. और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए हम आपको बुक बता दें फॉरेन पॉलिसी में, वन बुक इज़ मोर देन सफिशियंट. तो एक इंग्लिश बुक है, डज इंडियन एलिफेंट, डज इंडियन एलिफेंट डांस, ये फॉरेन पॉलिसी की बुक है. तो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से है, राइटर है डी मेलोन. तो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से, दैट इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड. तो इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो किताब पढ़ लेंगे, ऑक्सफोर्ड से है. तो बाकी हिंदी में आपको किताब मिली है. तो आपको बस एक ही किताब को आपको बार बार पढ़ना है. और दूसरा, आपको बता दें फॉरेन पॉलिसी जब भी हम पढ़ते हैं,
तो अगर आपको कई बार समस्या है तो न्यूज़पेपर पढ़ें कि ना पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़िए ना पढ़िए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें फॉरेन पॉलिसी के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, फैक्चुअल नहीं। और फॉरेन पॉलिसी में तो देर इज़ अ हाई मिसकंसेप्शन कि हमको लगता है कि रोज रोज घटना में पढ़ना है, रोज क्या हो रहा है वो देखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोज कोई चीज़ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उससे फर्क ही नहीं, क्योंकि हमारा एनालिसिस बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। कई बार तो उसका उल्टा होता है, क्योंकि कई बार जिन लोगों ने फॉरेन पॉलिसी मान ली तमाम न्यूज़पेपर पढ़ रखे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का परिणाम यह है कि वो हर चीज़ उनके उनके दिमाग में जब हम कोई चीज़ बताएंगे तो वो दिमाग घूमती रहेगी कि अरे अमुक व्यक्ति ने ये कहा था, अमुक व्यक्ति ने ये कहा था। आपको याद दिला दे हूसोएवर इज राइटिंग इन न्यूज़पेपर यू नो अबाउट द इशू ऑफ फॉरेन पॉलिसी, अगर कोई व्यक्ति फॉरेन पॉलिसी में लिख रहा है, न्यूज़पेपर में लिख रहा है, तो उसका एक ओरिएंटेशन है। जैसे आप देखेंगे सेवरल टाइम्स यू माइट हैव रेड आउट द आर्टिकल ऑफ सी राजा मोहन। सी राजा मोहन इज अ हार्ड कोर रियलिस्ट। यथार्थवादियों का मतलब होता है दे थिंक इन टर्म्स ऑफ पावर, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, वो उसी के संदर्भ में सोचते हैं। तो उनका थोड़ा सा व्यू कई बार एक्सट्रीमिस्ट होता है, तो जरूरी नहीं कि हम सी राजा मोहन के व्यू को एकदम हूबहू स्वीकार कर लें। इट मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय सम अदर स्कॉलर्स। इस वजह से आपको ये पता नहीं होता, आपको लगता है जो भी न्यूज़पेपर में लिखा गया, और कई स्कॉलर्स ऐसे हैं दे आर राइटिस्ट, दे आर लेफ्टिस्ट। अभी मैं एक नई बुक आई थी तो मैं पढ़ रहा था, किसी एक स्कॉलर की है, उन्होंने मोदी की फॉरेन पॉलिसी को बहुत क्रिटिसाइज कर रखा है, बिकॉज दे बिलोंग टू लेफ्ट कैंप। जो समाजवादी धड़ा है, जो वामपंथी धड़ा है, वो मानता है कि मोदी ने कुछ किया ही नहीं। भाई कोई सरकार में 4-5 साल है, किसी ने कुछ किया नहीं है दोस्त, ये बड़ी अजीब सी बात होगी। और सरकार में बाहर बैठने वाला व्यक्ति इतना होशियार है, पूरी मिनिस्ट्री एमईए पूरी बेवकूफ है। अगर सरकार की विदेश नीति खराब है, इसका मतलब एमईए काम अच्छा नहीं है। एमईए में जो आईएफएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ये देश के दुश्मन है या दिमाग से पैदल है, दोनों कंडीशन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है किसी की फॉरेन पॉलिसी एकदम से बेकार हो? तो अभी यह बात आपको ध्यान में रखने की है। और खासतौर पर न्यूज़पेपर को आप जनसत्ता पढ़िए, सरकार विरोधी हो जाएंगे। दैनिक जागरण पढ़िए, सरकार के भक्त हो जाएंगे। कंडीशन हमारी बीच बीच की होनी चाहिए, दोनों बातें एक्सट्रीम पे जाती है। इसे सच मानिए, मैं बार बार कहता हूँ ये बात, कई बार तो जीएस के स्टूडेंट को कन्विंस करना इतना मुश्किल होता है। प्रॉब्लम यही है कि बच्चे टीचर की बात ही नहीं मानते कई बार, तो क्योंकि बता करंट अफेयर। अरे क्या करंट अफेयर पढ़ोगे यार, पहले बेसिक तो पढ़ो। और दूसरी बात है, उनको ये लगता, कई लोगों को लगता है कि यार फॉरेन पॉलिसी जो किताब सर की है, जो भी लिखवा रहे हैं, अगली बार हम लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं चेंज हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम है कि जो हमें कभी फॉरेन पॉलिसी में आंसर राइटिंग हमारे पास आई नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हम रोज रोज आर्टिकल पढ़ रहे हैं, 50 आर्टिकल के बारे में हमारी अपनी ओपिनियन किसी बारे में है ही नहीं। और अपनी हमारी ओपिनियन नहीं है तो कभी भी हम किसी बारे में कुछ सिस्टमेटिक लिख ही नहीं सकते। बस हौच पौच रहेगा, इन्फॉर्मेशन का ढेर हमारे पास रहेगा, बिला वजह चीज़ें रहेंगी, और हमें तो 150 वर्ड्स में लिखने की कैपेबिलिटी चाहिए। दैट इज द क्रक्स ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन टाइम एंड अगेन आई हैव रिपीटेड द पॉइंट। ये बात आपको वही होनी चाहिए। वो तो कब आएगी? जब एक ही बुक को लगातार पढ़ेंगे। कई लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं अगली बार तो किताब क्या चेंज हो जाएगी, और कुछ भी कॉन्सेप्ट चेंज। अब बताओ फॉरेन पॉलिसी में तो आप याद रखिए 15 साल कोई चीज़ चेंज नहीं होती, और उसके कारण हम सिस्टमेटिक आपको बता दें क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। इससे पहले किताब में न्यूज़पेपर सब पढ़ना बंद कर दिए, केवल किताब पढ़िए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, और फिर क्वेश्चन पेपर पर जाइए, तो आपको लिखने की क्षमता होनी चाहिए। था दूसरी प्रॉब्लम ये है, कई लोग तो जो प्रीलिम्स के लिए दे आर प्लानिंग फॉर प्रीलिम्स, उनको लगता होगा कि यार फिर अब हम लिखें क्या। हाँ, अभी आपको डिसाइड करना है। अगर मान लीजिए हूसोएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, उनको लगता है आफ्टर जनवरी प्रीलिम्स का प्रेशर बढ़ता है, तो एक बात ये फायदा है कि आपको फॉरेन पॉलिसी से पढ़ने से प्रीलिम्स में घाटा कतई ही नहीं होगा। क्योंकि अभी प्रीलिम्स का नेचर आप समझिए, प्रीलिम्स का नेचर वो नहीं रहा कि उस इतिहास में क्या हुआ उस बात में बहुत इंटरेस्टेड है, बल्कि अभी उसका नेचर ये है कि वर्तमान में क्या हो रहा है उस बात को आप देखिए। और फॉरेन पॉलिसी पढ़ने से करंट अफेयर्स में बहुत सारे हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है, चीज़ें अच्छे समझ में आती हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। और प्रीवियस ईयर के कम से कम आप क्वेश्चन पेपर को पीटी क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके देखिए, तो फॉरेन पॉलिसी से 1 साल से लगभग 12 से 13 सवाल पूछा गया, पिछली बार 4 समाज पूछा गया है। यानी इसराइल के बारे में पिछली बार एक बड़ा सिंपल से किस बारे में 2 राज्य का समाधान दिया जाता है, तो फिलिस्तीनी समस्या थी। इस वजह से फॉरेन पॉलिसी प्रीलिम्स के लिए इट इज़ नॉट अ बैड थिंग टू गो फॉर अ फॉरेन पॉलिसी। ऐसा मत समझिए कि अब फॉरेन पॉलिसी, आजकल का यूपीएससी का बड़ा डायनेमिक होता है, एग्जामिनर वर्तमान घटनाक्रम खूब देखना चाहता है,
और वर्तमान घटनाक्रम में इकोनॉमी फॉरेन पॉलिसी यही तो वर्तमान घटनाक्रम को बनाती है। इस वजह से और जो लोग प्रीलिम्स नहीं देना चाहते, अब जो लोग प्रीलिम्स देना चाहते हैं अब वो लिखे ना लिखे दैट डिपेंड्स अपॉन उनके टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कितना टाइम उनके पास है कैसे वो लिख पाएंगे वो आप डिसाइड करिए। लेकिन जो लोग प्रीलिम्स नहीं देना चाहते उन्हें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादातर चीज़ें आपको लिखने के टर्म्स बताएंगे और तब सही हो पाएगी जब लगातार क्वेश्चन पेपर लेकर आइए। हम बता देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा सकता है, किस किस तरीके पूछे गए हैं, उस आधार पर क्वेश्चन कैसे होंगे। ये फॉरेन पॉलिसी में इसलिए बुक को बार बार पढ़ के आइए तब तो क्लास करने का फायदा होगा। अच्छा पढ़ने का तीसरा एक और फायदा होता है, जब अपनी चीज़ें पहले से पढ़ी रखी हुई हैं तो हर विषय की स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं और उन टर्म्स को आप तब समझ पाएंगे जब आप पहले पढ़ के आ रहे हैं, अदरवाइज आपको कहानी लगेगी क्या बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं, एक आर्टिकल मैं पढ़ता हूँ तो मैं उसमें से ऐसे कीवर्ड निकाल लूंगा, यही तो ये दिख चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो स्टडी का ही तरीका होता है। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं पता क्या पूछा सकता है, आपके लिए सारी न्यूज एक जैसी है, सारी न्यूज का महत्व एक जैसा नहीं है, समथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट समथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट। ये कैपेबिलिटी आप में तब आएगी जब विषय की इंसाइट होती है, तो हर विषय के अपने टर्म्स होते हैं तो जब आप लिखते हैं तो आप जब पढ़ के आ पाएंगे टर्म्स का एक एक बता देंगे दैट टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको लगना चाहिए हाँ तब उस पर आप फोकस करेंगे, अदरवाइज आपके लिए ऐसा चलेगा जैसे कोई स्टोरी चल रही है तो मामला फिर फायदा नहीं हो पाता। तो दैट इज अ की पॉइंट, ये पढ़ने की स्टडी हमने जो आप पढ़ के आएंगे। बाकी हम जब विषय के शुरू करें तो पहला सिलेबस में क्या लिखा गया मुझे बताइए, अगर आपके पास सब तो हमेशा थंब रूल सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर वो हमेशा आपके साथ होना चाहिए, एक बार उसको देखिए दो बार, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोफेशनल एग्जाम। जब हम किसी व्यावसायिक परीक्षा के लिए पढ़ रहे होते हैं तो हमारा पर्पज क्या है, हम उस परीक्षा में बेस्ट करें, न कि उस विषय में मजा आ जाए दैट इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज नॉट मजा आ जाए कि प्राइमरी क्या है हम कैसे उसको लिखे, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी ने हमें कहा कि अब संडे को भी छुट्टी मत करिए 8 बजे से क्लास कर दीजिए, तो दोस्तों किसी का सी सेट का बैच शुरू होने वाला है 8 से 11, तो बताइए मैं उसके लिए जान दे दूं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि तो देन यू हैव टू मैनेज, भाई हमने तो ऐसा थोड़ी बताया था कि अब मैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग आई हैव मेड द क्लास फ्रॉम 9 to 11, हाँ बीच में थोड़ा सा संडी कम होगी 8:30 तक कर देंगे, संडे की छुट्टी ऑलवेज छुट्टी। अब यार उसका दबाव बनाने के बाद प्रेस करेंगे मैं जान दे दूँ, ना ना। और आपको सी सेट का बैच अगर 8 बजे से है तो दिट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज योर बैच, उसके लिए दबाव बनाने की रणनीति ठीक नहीं है और ना वो आपकी सफल होगी। तो पहला, और टीचर का भी काम यार मशीन वाला काम थोड़ा होता है, मजा लेके पढ़ाने का काम होता है, सिलेबस पूरा करके दनादन एक हफ्ते में सिलेबस में पूरा कर दूं, सच में बता रहा हूँ, जब कहिए तब सिलेबस पूरा कर दूं आपका। आप हैरान हो जाएंगे, देखिए हम लोगों ने T20 भी खेला है कई बार, तो आजकल तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, अदरवाइज मैं राजस्थान कई बार राजस्थान के एग्जाम में कई बार मैं देखा एक हफ्ते में पूरी पॉलिटी आई आर खत्म, एक हफ्ते में कोई फार्मूला मेरे पास है। तो आप ये मत सोचो कि सिलेबस खत्म करना है, देन फोकस ओवर आउटपुट, पढ़ लिया लिखने आ ही नहीं रहे तो सिलेबस खत्म करना टीचर का बायां हाथ खेल होता है, तो हमें पता है सिलेबस कैसे खत्म करना है उस पर अब तो आप फॉलो मी रादर देन इंस्ट्रक्ट मी। अब यही प्रॉब्लम है आजकल के युवा बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं दुनिया हमारे हिसाब से चले, ना ना दो यहाँ तो मेरे हिसाब से चलेगा, उसके बाद अब दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, हाँ कर देंगे कर देंगे यार चिंता मत करो, 8:30 तो मैंने कहा मैं कर दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा 10-5 दिन तो थोड़ा ठंडी का समय जाने दो उसके बाद कर दूंगा, 15 जनवरी के बाद तो ऐसे समय बड़ा होने लगेगा दिन। तो अच्छा पहले शुरू करें, आपके सिलेबस में क्या लिखा गया है, क्या पहले लिखा हो भारतीय विदेश नीति, उसके आगे क्या लिखा है, देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, विदेश नीति इंडिया फॉरेन पॉलिसी। सिलेबस का पहला टॉपिक आप ध्यान से देखिए, सिलेबस के पहले टॉपिक में जो बात लिखी गई है तो हम इसी पहले टॉपिक पर आएंगे। अब एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जाके देखिए। और अब हमेशा याद रखिए सिलेबस का पहला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो सिलेबस का पहला पार्ट है पूरे सिलेबस का सारांश है,
That is extract of entire syllabus. Even syllabus ka jo pehla part hota hai, that is extract of entire syllabus. Usme kya likha gaya hai? India's foreign policy. Usme kya likha gaya hai? Determining of India's foreign policy. Determination of Bharati Videsh Nidhi ke Nirdharak. Pehla hai. Determination of India's foreign policy. Yehi baat to hai. Yani Nirdharak kya hai? Pehla kya hai? Foreign policy. Videsh Nidhi. तो हमें ये मतलब जानना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी और वो भी फॉरेन पॉलिसी यूएस की नहीं है रसिया की नहीं है इंडिया की इंडियास फॉरेन पॉलिसी पहला शब्द क्या है डिटरमिनेशन दूसरा क्या है यानी इंस्टीट्यूशंस विच सेव्स द फॉरेन पॉलिसी नीति निर्माण की संस्थाओं का मतलब होता है फॉरेन पॉलिसी पॉलिसी को कौन सी संस्थाएं बनाती है पहला डिटरमिनेशन Determination. अच्छा फिर उसके बाद institution उसके बाद क्या है विदेश नीति में continuity and change. Continuity and change. ये पहले टॉपिक में इतने शब्द लिखे गए हैं और एक एक स्पेसिफिक मतलब हमें चाहिए एक एक स्पेसिफिक मतलब हम देखेंगे विदेश व्हाट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी व्हाट आर इंस्टीट्यूशन विच सेव द फॉरेन पॉलिसी और कंटिन्यूटी क्या है निरंतरता क्या है दूसरा है चेंज क्या है परिवर्तन क्या है अब कल आप हमें बताइएगा कि इन्हीं एक एक पार्ट से किस साल कौन सवाल पूछे गए हैं और आप देखेंगे एक ट्रेंड आप देखेंगे हर साल पेपर कब उठा के देखिए फर्स्ट टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे फर्स्ट टॉपिक से देर इज अ मोस्ट प्रोबेबल दैट क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक क्योंकि फर्स्ट टॉपिक क्या है पूरे सिलेबस का सारांश है उसके बाद आप सिलेबस में चले जाए तो लिखा हुआ है कि इंडिया एंड साउथ एशिया भारत और दक्षिण एशिया अगर इसे सिलेबस में क्रम से चले जाए तो ऐसा लिखा गया इंडिया साउथ एशिया लुक ईस्ट की पॉलिसी लुक ईस्ट है उसके बाद पश्चिम एशिया की समस्या इसराइल सबसे लास्ट में दिया गया है मेजर पावर्स है अफ्रीका है लैटिन अमेरिका है ये पूरी फॉरन पॉलिसी का पार्ट है तो जरा हम देखें कि वट इज़ अ फॉरन पॉलिसी फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन इंस्टीट्यूशन कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज तो पहला है फॉरन पॉलिसी वो फॉरन पॉलिसी किसकी पर अब आपको मैप वैसे प्रोजेक्टर से आपको दिखा देंगे लेकिन एक आध मैप मैं वैसे हाथ से बना दूं हाथ से बन नहीं पाता लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं आ गया जाओ आप लोग तो पहला जरा हम पहले इंडिया को जरा आपको थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करें मैप यार बन नहीं पाता मुझसे लेकिन फिर भी समझ लीजिए मैप है इंडिया का जस्ट यू है ज्योग्राफी वाले मैप बहुत अच्छा बना लेते हैं उनको मान लीजिए यार मैप है उसमें दैट्स इंडियाज मैप अच्छा थोड़ा सा मोटा कहीं 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 थोड़ा सा हमने ज्यादा इंक्रोचमेंट कर दिया कहीं कहीं इसको पतला कर दिया बट दैट इज अ प्रोजेक्टेड इंडियाज मैप इसका मतलब है हम फॉरेन पॉलिसी किसकी पढ़ने जा रहे हैं इंडिया की तो मैं प्रोजेक्टर में भी आपको मैप दिखा दूंगा और यहाँ भी हमने मान लिया अब जरा इंडिया को देखिए अगर हम पहले वहां शुरू करें व्हाट इज डिटरमिनेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अगर इंडिया है तो अब जरा देखिए इंडिया का मतलब क्या है अगर हम करेंगे भारत की विदेश नीति में पढ़ना है तो व्हाट डज इट मीन बाई इंडिया जरा देखिए मैप जरा मैप देखिए ये है कोस्टल एरिया ये कोस्टल एरिया ये पूरा कोस्टल एरिया है यानी ये इंडिया है या समुद्र में लेटा हुआ कोई वी शेप का सिप है कभी आप इंडिया के मैप को आप देखिए पूरा यहां से लेके ये पूरा का पूरा कोस्टल एरिया है ये यहां से यहां तक ऐसा लगता है कि somebody told that इंडिया इज लाइक अ लोकेशन ऑफ इंडिया इज लाइक अ वी शेप शिप विच इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन जरा भारत के पोजिशन देखिए इधर क्या है ग्रेट हिमालयन बैरियर यहां से लेके पूरा यहां तक यहां से लेके आप यहां तक देखेंगे दैट इज ए हिमालयन रेंज ये हिमालयन रेंज है ये हिंद महासागर इंडियन ओशियन
यानी अब जरा देखिए इंडिया का है लोकेशन, और फिर उसके बाद देखें इधर कौन है, पाकिस्तान, इधर चाइना, इधर बांग्लादेश, जहां कौन अभी जीता है, हसीना, तो बांग्लादेश, यहां पे कौन है, भूटान, इधर कौन है, और हमने ज्यादा ही बना दिया, भूटान, भूटान, नेपाल, इधर कौन है, मालदीप, इधर या इधर, इधर, मैपिंग भी आपको ठीक हो जाएगी, मालदीप, मालदीप हो जाएगी, यहां पाकिस्तान हो गया, एंड नेक्स्ट इज क्या, यहां पे है म्यांमार, यहां पे है अफगानिस्तान, श्रीलंका, श्रीलंका। अब आप जरा देखिए जब डिटरमिनेशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, जब हम कहते हैं भारतीय विदेश नीति, पहला है व्हाट डज इट मीन बाय इंडिया। अगर इंडिया की परिभाषा देखिए स्वाभाविक रूप में विदेश नीति का मतलब होता है, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है एक राज्य का दूसरे राज्य के प्रति किया गया व्यवहार, द बिहेवियर ऑफ वन स्टेट बाय अदर इनफैक्ट मीन्स फॉरेन पॉलिसी। इसका मतलब है फॉरेन पॉलिसी का मतलब है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध का अध्ययन, एक राज्य के दूसरे राज्य का व्यवहार के अध्ययन। इट मीन्स एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध क्यों होता है, उसका सबसे पहला प्रश्न तो आप देंगे कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध क्यों होता है, आपका संबंध दूसरे के साथ कैसे होता है, अच्छा आपने दोस्ती किसी के साथ की है, आप दोस्ती कैसे करते हैं, आप जरा सोच के देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ठीक वैसी होगी जैसे आपके संबंध दूसरे के साथ बनते हैं, क्योंकि इंडिया विद द पीपल ऑफ इंडिया प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, हम भारत के लोग, भारत का निर्माण कौन करता है, हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया मेक इंडिया। आप याद रखिए, आप जरा सोच के देखिए आप अगर दोस्त न बनाए तो क्यों न बनाए, या बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, क्या जरा सोच के देखिए क्या ऐसा संभव है कि आप दुनिया में अलग थलग रह सकते हैं, यानी आपका संबंध, कई लोग तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति इसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई क्लास में है ऐसा, आपने सोचा ऐसा क्यों होता है, वाई देयर इज नीड ऑफ रिलेशन, संबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी संबंधों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, जरा सोच के देखिए ऑयल एंड गैस, कितने लोग स्कूटर से आए हुए हैं, स्कूटी से, बाइक से कितने लोग आए हुए हैं, तो जी बाइक से स्कूटी से आए हुए हैं, जो बाइक और स्कूटी में तेल भरा हुआ है आपके बगल के गांव में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, इसका सीधा सा मतलब है वी नीड ऑयल फ्रॉम वेस्ट एशिया, देयरफॉर व्हाट रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज नो कंट्रीज कैन लिव इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेशन इन दिस एंटायर वर्ल्ड, कोई भी देश बिल्कुल अलग थलग पृथक रूप में नहीं रह सकता जैसे हम अपने संबंधों के बिना नहीं रह सकते, अच्छा संबंधों में कुछ हम लेते हैं देते भी हैं, रिलेशन इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, और इसलिए याद रखिए उन लोगों का संबंध बिल्कुल नहीं चलता जो क्या सोचते हैं कि मेरे यहां आओगे तो क्या लाओगे और मैं आऊंगा तो क्या खिलाओगे, ऐसे लोगों के संबंध कभी नहीं चल पाते, संबंध कौन से नहीं चल पाते, मेरा तो मेरा है आपका भी मेरा है, ऐसे लोगों के साथ कभी दोस्ती नहीं चल पाएगी और संबंध बिल्कुल बिखरेगा, इसलिए रिलेशन का मतलब क्या है, ऑल रिलेशंस आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ गिव एंड टेक, कुछ आपको लेना है कुछ आपको देना है, और आप याद रखिए अभी मालदीव के राष्ट्रपति है उनका कि मोदी से कहा कि भाई बहुत हम बोझ में फंसे हुए हैं, मोदी ने कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम, गॉट डेट ट्रैप, हम तो एकदम ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, हमें पैसा चाहिए, मोदी ने कितना, कुछ भी दे दो, मैंने कहा चलो $1 बिलियन लेके जाओ, यानी हम और जापान से लिया मालदीव को दिया है, गिव एंड टेक, दैट इज अ फॉरेन पॉलिसी। राफेल कहां से लिया, राफेल फ्रांस से लिया, ध्रुव मालदीव को दिया,
ध्रुव छोटा सा हल्का सा हेलीकॉप्टर है, एक इंजन वाला दोस्तों, उससे लग हम बना नहीं पा रहे हैं अभी। वी आर मेकिंग अप इंडिया 2020 विजन, आवर विजन इज वेरी ब्रॉडर, बट वी हैव टू टेक अ टाइम फॉर अटेनिंग रियलाइजिंग दैट विजन। इसलिए आप याद रखिए, मालदीव को ध्रुव हेलीकॉप्टर देते हैं, कई लोगों तो रसिया से हमने N-35 लेके अफगानिस्तान को दे दिया। कई बार तो हम अब अफगानिस्तान मांग रहा था, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हमने कहा कि दे कहाँ से यार, क्योंकि दोस्त हो तब तो देते नहीं कुछ चीज़ तो भारत ने कहा अपने पास तो है नहीं, तो रसिया से हमने दोस्ती कारण रसिया से लेकर अफगानिस्तान को दे दिया। अब जरा सोच के देखिए, आपने मोबाइल आप यूज कर रहे हैं कहाँ का है, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन। आपका संबंध चाइना से है या नहीं है, कितने लोग सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं, साउथ कोरिया। इसलिए जरा आप सोच के देखिए, इसलिए फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध, जैसे हम अपने संबंध दोस्तों के साथ बनाते हैं वैसे देश बनाता है, जैसे हमारा काम नहीं चल सकता वैसे देश काम नहीं चल सकता, क्योंकि हम अच्छा केवल अच्छा सवाल ये है। दूसरा सवाल, संबंध आप अच्छा, कोई भी संबंध परमानेंट होता है, समय के साथ बदल जाता है। तो आप याद रखिए, जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, व्हाट इज अ फॉरेन पॉलिसी, पहले हम डिफाइन करेंगे फिर इंडिया डिफाइन, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, या पहले इंडिया को डिफाइन कर लें या पहले फॉरेन पॉलिसी, दोनों काम करेंगे। तो इंडिया कौन है, अगर हम फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने से पहले इंडिया को देखें, तो नंबर एक इंडिया क्या है, ये राज्य है या महाद्वीप है, उप महाद्वीप है। अच्छा अच्छा तो बड़ा महाद्वीप कौन सा है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट। अच्छा सब कॉन्टिनेंट और देश में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड स्टेट। अच्छा ठीक है, इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट, तो व्हाट इज द लार्जर कॉन्टिनेंट, एशिया। अब जरा सोच के देखिए, आपको पहली जनवरी की बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं, आपको पता है कि पहली जनवरी इस देश में कितने बच्चे पैदा हुए, कितने, पहली जनवरी को इस देश में कितने बच्चे पैदा हुए, 70,000, यानी लगभग 70,000 के आसपास, कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोग तो और आंकड़े बताते हैं। पूरी दुनिया में पहली जनवरी को सबसे ज्यादा बच्चे किस देश में पैदा हुए, किस देश में, यूपी इज नॉट अ कंट्री माय डियर फ्रेंड। अब जरा सोच के देखिए, अच्छा अब देखिए, यही पेपर पढ़ने वाली बात है कि पेपर आपने ही पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा होगा, कैसे हम चीजों को जोड़ लेते हैं अपने हिसाब से। जरा सोच के देखिए, इस पूरी इंडिया का मतलब है, अगर पहली जनवरी को, वैसे तो हम हर हर दिन के बच्चों का रिकॉर्ड हो सकता है गवर्नमेंट रखे हो, पब्लिश नहीं करती, पहली जनवरी के बच्चों का रिकॉर्ड तो पब्लिश किया गया कि पहली जनवरी को पूरी दुनिया में लोग कहाँ पैदा हुए, सबसे ज्यादा हुए इंडिया में, मोर देन 70,000 इन्फेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, और 70,000 अगर बच्चे इंडिया में पैदा हुए, ये सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होने वाले हैं, दूसरी नंबर पे चाइना। इसका मतलब हम चीन को पिछाड़ने की हमारी पूरी प्लानिंग है दोस्तों, यानी इंडिया, इंडिया इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दिस एंटायर वर्ल्ड, एंड वेरी सून वी आर लाइकली टू बिकम अ टॉपर। हम टॉप करने की पोजिशन में, जरा सोच के देखे, इंडिया है या दुनिया का हर छठा व्यक्ति कौन है, और आपको बता दें 70,000 पॉपुलेशन एक दिन में पैदा हो जाना, ओ माय गॉड, दैट इज समथिंग स्ट्रेंज। जब विदेशी पढ़ते हैं, 70,000 लोग एक दिन में पैदा हो जाते हैं, क्योंकि कई देशों की पॉपुलेशन है 12,000। अगर 70,000 लोग एक दिन में पैदा हुए, 365 दिन में कितने बच्चे पैदा हुए, सीसेट का सवाल का जवाब मुझे दीजिए। 70,000 बच्चे एक दिन पैदा हुए तो हाउ मेनी इन्फेंट्स कैन बोर्न इन 365 डेज, कितने कितने, 1 करोड़, 2 करोड़ 40 लाख, ओ माय गॉड, 2 करोड़ 40 लाख, श्रीलंका की पूरी आबादी 2 करोड़, देख लीजिए, 1 श्रीलंका में हर साल पैदा करते हैं, दैट इज आवर ग्रेटनेस। ऑस्ट्रेलिया का आबादी 2 करोड़ दोस्तों, वर्ल्ड फुटबॉल कप में खेलने वाला देश था आइसलैंड, आइसलैंड की पूरी आबादी 35 लाख, आइसलैंड, मार्शल आइलैंड आबादी 12,000, यानी हम तो इतने क्षमतावान हैं कि एक एक दिन में एक एक देश पैदा कर देते हैं, और एक साल में, अगर सोच के देखिए दोस्तों, कितने ऑस्ट्रेलिया,
हमने 10 साल में 10 ऑस्ट्रेलिया, 10 श्रीलंका, 10 अफगानिस्तान, जरा सोच के देखिए, अब जरा सोच के देखिए, इंडिया, जब बोलते इंडिया, हम किस देश की फॉरेन पॉलिसी पढ़ने जा रहे हैं? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? इंडिया बनता किससे है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश में है? इंडिया में है। और हमने कहा दूसरी, बहुत बहुत जल्दी मैं इस बात को बदलने जा रहा हूं दोस्तों, बस 2-4 साल देरी है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन किसकी है? चाइना की। दूसरी सबसे बड़ी चाइना और पहला इंडिया। अब जरा सोच के देखिए, देश बड़ा होगा, आप कहेंगे पॉपुलेशन का फॉरेन पॉलिसी क्या मतलब है? है? जनसंख्या का देश से क्या मतलब है? कि जनसंख्या है या मार्केट है? लेट्स काउंट व्हाट इज इंडिया। जब हम इंडिया के फीचर को बात करते हैं, पहला पॉपुलेशन, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, जनसंख्या। तो हम इंडिया को डिफाइन कर, इंडिया है कौन? जिस देश में इतने लंबे समय से रह रहे उसकी पहचान तो बना लें कि हु इज इंडिया। तो पॉपुलेशन है। अब आप ये कहेंगे कि हाउ पॉपुलेशन कैन डिटरमाइन द फॉरेन पॉलिसी, जनसंख्या देश की विदेश नीति का निर्धारण कैसे कर सकती है? तो आपको याद दिला दे, इट इज अ पॉपुलेशन और इट इज अ मार्केट। एक बात आपको याद दिला दे, आज की दुनिया में सबसे बड़े बाजार का नाम क्या है? भारत। और आप जानते हैं दुनिया में लिबरलाइजेशन का फेज है, उदारीकरण की बात है, वो मंडीकरण की बात है, वेयर मार्केट गवर्न द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मार्केट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज की दुनिया में डिफेंस का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया। इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट मार्केट इन द वर्ल्ड, उड्डयन के क्षेत्र में तीसरा बड़ा लार्जेस्ट मार्केट कौन है? इंडिया। मोबाइल का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट कौन है? इंडिया। मेडिसिन का सबसे बड़ा मार्केट कौन है? इंडिया। अब जरा सोच के देखिए, इंडियन मार्केट को लेने के लिए दुनिया का हर देश उतावला है। ये फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करेगी नहीं करेगी? और ये नहीं, ऑयल कंजम्पशन में इंडिया बिकमिंग थर्ड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर चाइना एंड यूएस। ऑयल कंजम्पशन थर्ड, डिफेंस में फर्स्ट। आज की दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा बाजार कौन है? इंडिया। अब आप देखिए, ये चीजें अगर हम, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी हमारे पास जनसंख्या है, ये निश्चित तौर पर हमारी विदेश नीति को प्रभावित करेगा। दैट इज फर्स्ट डिटर्मिनेशन। अब जरा सोच के देखिए, नेपाल को कितना तेल चाहिए? पॉपुलेशन ऑफ भूटान, हमारा जो पड़ोसी है, हमारा बड़ा अच्छा पड़ोसी भूटान, भूटान की जनसंख्या कितनी है? 6 लाख। अब भूटान को कितना तेल चाहिए? एक आध पगुआ में काम चल जाएगा दोस्तों। इसलिए आप देखेंगे भूटान, अगर जरा सोच के आप देखिए, भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट होती है उसका बहुत बड़ा पार्ट तो इंडिया इंपोर्ट कर लेता है। इससे बात बहुत साफ है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो आप याद रखिए हमारे चैलेंजेस भी होते हैं और फायदे भी हैं। और चैलेंजेस तो ये है कि जनसंख्या ज़्यादा है, सारी चीज़ का कंजम्पशन हम कर लेते हैं। अब आप ये सब जो जीएस में फैक्ट पढ़ते होंगे, विच कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क? इंडिया। लेकिन एक्सपोर्टर, विच कंट्री इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क? एक खास बात देखिए, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन हमारे यहाँ, गेहूं का उत्पादन हमारे, बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन हमारे यहाँ है, लेकिन हम बहुत सारा कंज्यूम कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन फॉरेन पॉलिसी के लिए, पॉपुलेशन देश के लिए फायदा है या घाटा है? आप याद रखिए, अगर पॉपुलेशन, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज भी है, फॉरेन पॉलिसी में फायदे भी है, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री विच इज स्टिल डेवलपिंग, विकासशील देश है, इसलिए हमारे यहाँ बीमारी, गरीबी, निरक्षरता ये थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी का फायदा क्या है? बड़ा मार्केट है, ह्यूमन रिसोर्स है, ये जनसंख्या या मानव संसाधन है? आप जरा सोच के, फायदा क्या है? आज के दुनिया में सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट इंडिया का इसलिए है कि बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट ओनली पीपल बट चीप प्रोडक्ट। दुनिया के सबसे सस्ते सामान कहाँ इस समय बन रहे हैं? इंडिया में। टाटा नैनो जैसी कार कहीं बन सकती है क्या? कभी आपने सोचा हाउ अ चीपेस्ट कार कैन बी मेड इन इंडिया? जापान ने भी कहा है कि वो टोयोटा का प्रोडक्शन शिफ्ट करने का प्लान कहाँ बना रहा है? इंडिया में।
और सबसे दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? इट इज यंगेस्ट पॉपुलेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग फोर्स इन दिस वर्ल्ड. ये ह्यूमन रिसोर्स है. इसराइल के प्रधानमंत्री से एक बार किसी ने पूछा, इसराइल के प्रधानमंत्री, लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रेटेस्ट एसेट, जनसंख्या का महत्व इतना ज्यादा होता है. आप इस बात को इस तरीके से सोचेंगे, जापान इतना प्रभावी तौर पे इकोनॉमिकली इतना डेवलप कैसे हुआ? जापान के पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत बड़े नहीं है, जापान के पास ह्यूमन रिसोर्स है. इसराइल के प्रधानमंत्री से ये बात पूछी गई कि हाउ अ कंट्री कैन डेवलप इन अ डेजर्ट. पर डेजर्ट में आपके पास, इसराइल के पास तो डिफेंस में भी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है. इवन इसराइल इज अ डेवलप कंट्री और इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे बिल्कुल डेजर्ट में है. जापान में तो 8 रिक्टर के भूकंप हमेशा थे, जापान तो आधा जापान हिलता रहता है. लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ आवर्स दैट इज ह्यूमन रिसोर्स. और इस बात को ऐसे भी आप देखिए, अब जरा सोच के देखिए, दुनिया में कई देशों की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है. तो आप याद रखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये पॉपुलेशन है या पोटेंशियल ऑफ मेजर पावर है. ये भारत की जनसंख्या है, भारत को महाशक्ति बनाने का सबसे विश्वसनीय आंकड़ा है. हम किस देश की फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी भूटान की भी होगी, नेपाल की होगी, अफगानिस्तान की भी होगी, लेकिन इंडिया फॉरेन पॉलिसी में भी डिफरेंट. और अब जरा आंकड़े बनाइए, दुनिया के 10 बड़े जनसंख्या वाले देशों के नाम हमें अंगुलियों पर बताइए. देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ डेमोग्राफी, और डेमोग्राफी का सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जनरल स्टडीज के लिए. आप मुझे दुनिया के 10 बड़ी जनसंख्या वाले देशों के नाम बताइए. चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2, थर्ड ये वैसे, फोर्थ कनाडा कैसे आ जाएगा यार, कनाडा टेरिटरी में आता है, फोर्थ इंडोनेशिया, फिफ्थ. अब एक खास बात आप देखेंगे जो बात ध्यान में दिलाने की है, जितने भी पॉपुलेशन के हिसाब से बड़े देश हैं, दे आर ईदर मेजर पावर या दे आर हैविंग पोटेंशियल टू बिकम मेजर पावर. यानी जिसके पास जनसंख्या ज्यादा है या तो महाशक्ति है या तो उसमें महाशक्ति बनने की क्षमता है. इस वजह से कहा जाता है पॉपुलेशन अपने आप में सबसे बड़ा वर्किंग फोर्स है. और याद रखिए, पॉपुलेशन को वैसे भी दोस्तों पॉपुलेशन को घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है. पॉपुलेशन घटाइए मत, क्योंकि हमारे यहाँ बाकी सब चीज़ घटी हुई है. पॉपुलेशन का फायदा क्या होगा? डायस्पोरा, पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ से ज़्यादा इंडियन पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और वो 2.5 करोड़ से 5 करोड़ बनाने की क्षमता बहुत तेज रखते हैं. इसलिए ऑस्ट्रेलिया, आधा ऑस्ट्रेलिया हमारा, कनाडा हमारा, अमेरिका में मोर देन 60 लाख इंडियंस, आने वाली दुनिया में किसका शासन होगा? केवल इंडिया का. दैट इज रियलिटी. इसलिए पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच सेट द फॉरेन पॉलिसी. इसी इंडिया की पहली पहचान क्या है? पॉपुलेशन. और ये भी याद रहे, पॉपुलेशन है तो ही देश की इंडिया की आर्मी की संख्या आप देखिए. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन आर्मी इन द वर्ल्ड? इंडियन आर्मी की पोजीशन पूरी दुनिया में कौन सी है? कौन? फर्स्ट चाइना, सेकंड, थर्ड. अब जरा सोच के देखिए, ये पॉपुलेशन है और आल्सो इंडिकेट साइज ऑफ आर्मी. जिसके पास तीसरी दुनिया की आर्मी होगी वो पावरफुल होगा या नहीं होगा? इसलिए ये भारत है या महाशक्ति है? ये भारत है, महाशक्ति है. और आपको याद दिला दें, अगर हमने इस बात को फॉरेन पॉलिसी में प्रयोग कर दिया, इट इज मेजर, इंडिया इज अ मेजर पावर, इंडिया इज अ ग्रेट पावर, इसके बहुत ही अलग मतलब होते हैं. और अभी हम बता, ग्रेट पावर का मतलब बता देंगे. यानी संबंध देखिए, संबंध 2 तरीके के होते हैं. आप सबके संबंध सबके साथ हैं. अब दूसरा फैक्टर, जब हम मेजर पावर शब्द का प्रयोग करते हैं, वाई इंडिया इज मेजर पावर? और एक ही फैक्टर नहीं है, वी कैन टेल यू द वेरियस फैक्टर्स विच क्रिएट इंडिया इज अ मेजर पावर. और इंडिया अगर एक महाशक्ति है, उसके बहुत सारे कारण मैं आपको बता दूं क्यों महाशक्ति इंडिया है. अब जरा देखिए, अच्छा आप जहां हॉस्टल में रहते हैं, आप दूसरे को प्रभावित करते हैं, दूसरे से प्रभावित होते हैं, ज्यादा क्या करते हैं? दूसरे से प्रभावित होते हैं, दूसरे को प्रभावित करते हैं. अगर आप हॉस्टल में निकले हो, सारे बच्चे आपकी बात मानने को तैयार हैं, देन यू आर मेजर पावर.
अगर आप मैं आपको गांव में एड्रेस आपका पूछता जाऊं भाई एक्स आदमी का एड्रेस होना चाहिए और दो चार किलोमीटर पहले लोग बता दें देन यू आर मेजर पावर. आपके खोपचे से बाहर आपको कोई नहीं जानता देन यू आर भूटान नेपाल रवांडा बुरुंडी है थी. दोस्तों जरा सोच के आप देखिए, जरा सोच के देखिए यहां पे बैठे कितने ऐसे लोग हैं जो अमेरिका को भली भांति जानते हैं, यूएस के बारे में हर तीसरे दिन न्यूज सुनते रहते हैं. कितने ऐसे लोग हैं? सारे ऐसे लोग हैं. लेकिन मैं आपसे बताऊं कि आपने बोत्सवाना का खबर कब पढ़ा पिछली बार? आप सब साफ तौर पर देख लिए, दिस वर्ल्ड इज कंप्राइज ऑफ 193 कंट्रीज. ये दुनिया 193 देशों से मिलकर बनती है, लेकिन कई देशों से हम नाम नहीं जानते. कई देशों के तो कभी कभी नाम हमें पता चल जाता है. और रवांडा, मोदी भी गए थे रवांडा, रवांडा बुरुंडी हैती. और जब पहली बार तो हमें कई लोगों को पहली बार पता ट्रिनिडाड और टोबैगो, टोबैगो और उधर वो देवे चोस्की कहाँ गया है, मुकुल चोस्की कहाँ पे गया था, कहाँ पे? एंटीगुआ. एंटीगुआ की पूरी पॉपुलेशन है 4 से 5 लाख. ऐसे ऐसे विदेश भी हैं. 193 देशों में अगर इंडिया की पोजिशन थर्ड आ रही है, दैट्स इंडिया इज मेजर पावर. भारत महाशक्ति है. तो महाशक्ति है प्रभावित करता है या प्रभावित होता है? करता है. महाशक्ति क्षमता होनी चाहिए कि हम यानी अब हम मैं कह रहा हूँ गांव का मैं चौधरी और मुझसे कोई डरता नहीं. देन चौधरी ऑफ व्हाट? किस बात का चौधरी यार? नहीं, आप याद रखिए दोस्तों, आप लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखिए. अच्छा, जब संबंध बनते हैं, अब संबंध बनेंगे, मान लीजिए कोई पावरफुल व्यक्ति है उसके साथ आपका रिलेशन है, हमेशा आपको प्रभावित करता रहेगा. इसे आप याद रखिए, मेजर पावर कौन है जो लोगों को प्रभावित कर सके, राज्यों को प्रभावित करे, नियम को शेप कर दे. ट्रंप नियम को शेप करता है. सी सिंगपिंग ने कल बयान देते हुए ताइवान को कहा, आवर गोल इज यूनिटी, फोर्स इज एन ऑप्शन. हमारा उद्देश्य क्या है कि हम तुमको लेना चाहते हैं. और ये भी याद रखो, उसके लिए मैं बल भी अपना सकता हूँ. चाइना बल अपना सकता है, नेपाल क्यों? मेजर पावर. इसी याद रखिए, जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है, जो महाशक्ति होता है क्या, जो शक्तिशाली आदमी तो पहले दो चार हाथ लगाता है, पीट देता है, और जो छोटा आदमी, भाई साहब ये बहुत ये अनुचित व्यवहार आप कर रहे हैं, ये आपको ठीक नहीं, शोभा नहीं दे रहा है. अरे शोभा बाद में देगा, पहले पिटो. दोस्त याद रखिए, ये दुनिया किससे चलती है? पावर से. आप क्या बनना चाहते हैं? और अब याद रखिए दोस्तों, आपसे तो अच्छा कोई एग्जाम्पल बता ही नहीं सकता. ये दुनिया पावर से चलती है, कमजोर होके जीना. ये दुनिया चलती है प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. यूक्रेन को देखा. यूक्रेन कैसे पिटा? रसिया इज मेजर पावर या यूक्रेन? और जब रसिया ने यूक्रेन को धोना तो पूरी दुनिया ने कहा बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो. जैसे एक मोहल्ले में एक आदमी दूसरे को पीट रहा है और मैंने अपने दोनों हाथ जेब में रखकर कहूं बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है. पिटने वाला व्यक्ति बच जाएगा? नॉट एट ऑल. दुनिया नैतिकता से नहीं चलती दोस्तों. दुनिया किससे चलती है? उगते सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है. इसलिए दुनिया में एक ही चीज बनने का करना चाहिए दोस्तों, क्या है? पावरफुल. उसके लिए हर तरीका अपना लीजिए. तो अगर हम ये कह रहे हैं, इसलिए मेजर पावर, पावर में क्या कैटेगरी है? हमें पावरफुल बनना है पहला, और पावरफुल नहीं मेजर पावर बनना है. यानी हमारे पास शरीर शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, हमारे पास दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे हम दूसरे को सुरक्षा दे सके. दैट इज साइन ऑफ ए कैपेबिलिटी ऑफ अ कंट्री, दैट इज साइन ऑफ अ पावरफुल ऑफ अ कंट्री. हम दूसरे को प्रभावित कर सके, उसको सुरक्षा दे सके. अमेरिका कई देशों को सुरक्षा देता है, साउथ कोरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? और जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? That is sign of power. भूटान के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? That is sign of a great power. That is sign of great power. अब जरा सोच के देखिए, चाइना तो डोकलाम क्राइसिस, चाइना का भूटान पे अतिक्रमण था, इंडिया पे अतिक्रमण था. ये भाई चाइना का झगड़ा डोकलाम पे भूटान के सीमा के साथ था, इंडिया की सीमा के साथ था? अरे भूटान की सीमा के साथ था. भाई हमारे साथ टेरिटरी विवाद था, लेकिन डोकलाम क्राइसिस तो भूटान के साथ ही है. तो चाइना ने भूटान को दबिश दी, बीच में इंडिया पहुंच गया.
किसी याद रखिए दोस्तों, मोहल्ले में कोई पिट रहा हो, आप किसी को बचा सकते हैं, देन मेजर पावर, और आप ऐसे बैठे खड़े खड़े देख रहे हैं, देन यू आर रवांडा बुरुंडियन हैती। इसलिए याद रखिए, पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको तय करना है कि आपको क्या बनना है, अमेरिका बनना है, चाइना बनना है, इंडिया बनना है, या नेपाल, भूटान और हैती बनना है, या किरीबाती बनना है, नारू, किरीबाती, ओ माय गॉड, 1 लाख की जनसंख्या, 2 लाख की जनसंख्या। वंस आई मेट अ फैमिली हु वर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। तो जो विदेशी परिवार था, पहली बार उसने कहा कि मैं पहली बार ट्रेन में बैठा हूँ। मैं चौंक गया, मैं कहा भाई कौन सा देश है, ट्रेन नहीं चलती अभी किस शताब्दी में? देखो व्हाट इज रीजन व्हाई देयर इज नो ट्रेन। उन्होंने कहा भाई हमारे पूरे देश का जो पॉपुलेशन है वही 8,000 है, और जो लंबाई है वो लगभग 800 मीटर है, तो हमारे देश में ट्रेन खड़ी होगी देश ही खत्म हो जाएगा। दैट इज अ प्रॉब्लम। इसे दोस्तों जरा साफ सोच के देखिए, इंडिया का मतलब क्या है, मेजर पावर एंड फर्स्ट इंडिकेशन पॉपुलेशन। इतना ही नहीं है, मेजर पावर है तभी सैनिक ज्यादा है, और सैनिक काम आते हैं दोस्तों लड़ने के लिए, हमारे यहाँ तो लड़ने के लिए कहीं भेज देते हैं दोस्तों, सैनिक है नहीं, देश की सुरक्षा कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो यूरोप में कोई सैनिक बनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे यहाँ सेना की भर्ती होती है, भगदड़ मच जाती है। यकीन मानिए यूरोप में कोई सेना में जाना ही नहीं चाहता, सेना में एक आदमी मर गया पूरे यूरोप में हंगामा हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन। वहाँ तो पॉपुलेशन माइनस में जा रहा है, वहाँ पॉपुलेशन घट रहा है, हमारे एक ही चीज बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ 10-20 लोग मर जाते हैं बिल्कुल पू 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 बजा के स्ट्रिंग, हम श्रद्धांजलि देते हैं, भारत रत्न देंगे, और परिवार की तरफ से बयान क्या आएगा, हमारा दूसरा बच्चा होता तो वो भी इसे ऐसे करता है। दैट इज ब्रेवनेस। सेकंड व्हाट इज इंडिया। आप ये बता रहे फॉरेन पॉलिसी में आपको बहुत कम से कम लिखाने वाला काम नहीं होगा, हमने कहा आपको बता देंगे क्योंकि बुक आपको मिली हुई है, मैं क्वेश्चन का फ्रेमवर्क आपको ज्यादा बता दूंगा, तो लिखवाने वाला काम जो आपको ठीक लगता हो आप लिख लो। सेकंड, हाँ तो वो तरीका, हर सेक्शन में तरीका अलग अलग अपनाना पड़ेगा, इस थोड़ी हम किताब इसलिए तो आपको दी कि सब चीज लिखा हुआ है, हाँ क्वेश्चन पेपर आप लेकर आइए उसको हम स्ट्रक्चर कराएंगे आपको। सेकंड, व्हाट डज इट मीन इंडिया साइज, आकार, साइज या आकार, अब जरा देखिए ऐसे साइज का मतलब ज्योग्राफिकल साइज, साइज का मतलब होता है भाई राज्य की सीमा तो भौगोलिक रूप में ही दिखेगी, और फिर आपको बता दें दुनिया के ज्योग्राफिकली आप दुनिया के 10 बड़े देशों के नाम मुझे बताइए इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, कैन यू टेल मी द 10 टॉप कंट्रीज। रसिया नंबर 1, सेकंड चाइना, थर्ड ईरान, नहीं कैसे ईरान की बात कर रहे हैं। अब देखिए दैट इज अब मैं से आप याद रखिए, अब ये सारी डेमोग्राफी प्रीलिम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई, दुनिया में 10 बड़े देश कौन है ज्योग्राफी के हिसाब से, तो बेसिक बातें तो याद होनी चाहिए। तो रसिया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 यूएस, थर्ड पे यूएस, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, सेवेंथ पे, इसका सही से मतलब है जरा अब जरा आप देखिए साइज के हिसाब से, अगर ज्योग्राफिकली आप देखें रसिया स्टिल अ ग्रेट पावर, मेजर पावर है रसिया। आज भी रसिया के पास अमेरिका के बाद अगर किसी दूसरे के पास सैन्य क्षमता सबसे बड़ी है तो किसके पास है, बस सीधी सी 7 बड़े देशों को हमने देखा, उसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अगर एक्सेप्शन, कनाडा ऑस्ट्रेलिया का ज्योग्राफी तो बहुत बड़ी है लेकिन उनके पास थोड़ी पॉपुलेशन कम है, फिर भी वो डेवलप कंट्री तो है, विकसित देश तो है। लेकिन उसके बाद अगर आप लिखें, यानी इंडिया को देखेंगे, चाइना को देखेंगे, यूएस को देखेंगे, रसिया को देखेंगे, ब्राजील, ये दुनिया में मेजर पावर है। इसका सीधा सा मतलब है साइज डज मैटर, भाई भूभाग बड़ा होगा तो लोग अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे, यद्यपि ये मैटर करता है कि भूभाग बड़े होने के बाद भी लोग ज़्यादा नहीं हो सकते। ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल, कनाडा का बहुत बड़ा भूभाग तो इतना ज़्यादा
कनाडा के पोलर रीजन में है, ध्रुवीय क्षेत्र में है, तो वो स्नो हमेशा पूरा, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का ऐसा ऐसा क्षेत्र है पूरा, बहुत बड़ा पार्ट उसका डेजर्ट है। कई बार ज्योग्राफी तो होती है लेकिन ज्योग्राफी का उतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं हो पाता। अच्छा एक बात तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे, जब कहते साइज ऑफ अ कंट्री, साइज ऑफ कंट्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि दुनिया के 10 बड़े देशों के नाम, 10 शक्तिशाली देशों के नाम जैसे आप गिनेंगे उसमें एक फैक्टर शायद कॉमन आएगा, दे आर बिग इन साइज। इधर साइज का भी इम्पोर्टेंट, इधर साइज का भी इम्पोर्टेंट, कॉन्टिनेंट वाइज चेंज हो सकता है। बिकॉज आप एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, जर्मनी इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज इन यूरोप, जर्मनी का आकार के मामले में यूरोप में सबसे बड़ा स्थान है, लेकिन जर्मनी की पॉपुलेशन 7 करोड़ है, तो लेकिन यूरोप के टर्म्स में उतना ही बड़ा है, और यूरोप में तो 7 करोड़ की आबादी अपने आप में बड़ी है। लेकिन एशिया के हिसाब से फिर साइज अलग मैटर करेगा, पॉपुलेशन कहेंगे एशिया के हिसाब से पॉपुलेशन का मामला अलग बन जाता है, अफ्रीका में भी चीज़ें अलग अलग किस्म की है। इस वजह से साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन पॉलिसी में, और देश का आकार बड़ा है तो याद रखिए देश का आकार बड़ा है तो अपने आप में इसके कई फायदे हैं। देश का आकार बड़ा है इसलिए कोई शत्रु इतनी आसानी से आपको हरा नहीं सकता। एग्जाम्पल आपको सेकेंड वर्ल्ड वार की एग्जाम्पल आपको बता दें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वाई हिटलर कूडेंट अकुपाई द रसिया, हिटलर की सेना जिन्होंने पूरे यूरोप को तबाह कर दिया था, और हिटलर को अंडर ओवर एस्टिमेशन हो गया कि हम रसिया गए और आए, हिटलर गया वापस नहीं आ पाया, रसिया की ज्योग्राफी ने सप्लाई लाइन हिटलर मेंटेन नहीं कर पाया। जब आर्मी आपकी लड़ती है तो पूरे आर्मी पर्सनल को आप हथियार खाना पीना पानी दे देंगे, उसके लिए बहुत बड़ा फ्री चाहिए, हिटलर नहीं कर पाया। इसे आप इधर देखिए, इफ़ यू लुक द इंटायर पास्ट ऑफ इंडिया, क्या पूरे अतीत में हमारे यहाँ पता नहीं कितने बाहर के आक्रमणकारियों ने भारत पे हमला किया, क्या पूरे भारत पर कभी कोई शासक नियंत्रण कर पाया? नेबर नियंत्रण नहीं कर पाया। इसलिए अगर देश बड़ा है तो उसको जीतना उतना ही मुश्किल होगा। देश बड़ा है, हाँ ये बात अलग है, चैलेंज है कि देश बड़ा है सिक्योरिटी अपने आप बड़ी हो जाएगी। देश बड़ा है जरा सोच के देखिए, बड़ा देश होगा तो निश्चित तौर पर बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लेकिन बड़ा देश होगा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, बड़ा देश होगा मिनरल्स ज़्यादा होगा, बड़ा देश होगा इकोनॉमी अपने आप बड़ी हो जाएगी। इस वजह से दिस इज अगेन इंडिकेशन ऑफ मेजर पावर, साइज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ज्योग्राफिकल साइज में हम देखते हैं, ज्योग्राफिकल साइज में उसके बाद फिर लोकेशन बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जरा सोच के देखिए, साइज ही नहीं इंडिया का, जरा आप देखिए लोकेशन, आप इधर देखिए दुनिया में कई ऐसे देश हैं विच आर लैंड लॉक। अगर इंडिया की हम बात करें, भाई साइज भारत का साइज ही नहीं है, आपको ऐसा दिखेगा भारत का आकार इतना बेहतरीन है, लोकेशन इतनी बेहतरीन जगह पे आती है। इंडिया इज हैविंग लार्जर कोस्टल एरिया देन चाइना, चाइना बड़ा देश है, समुद्र तटीय क्षेत्र इंडिया के पास ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ चाइना। अगर सोच के देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया, इवन आवर लैंड इज मोर फर्टाइल इन कंपेरिजन टू चाइना। यार अमेरिका, अमेरिका को हम आप देखेंगे इतनी टफ ठंडी पड़ती है, रसिया में, रसिया तो बिल्कुल हलाकान हो जाता है दोस्तों, रसिया में 3-3 महीने में देर में भी बेटर टेरिटरी, देर में भी लार्जर टेरिटरी, ये रसिया की बहुत बड़ी टेरिटरी, तो बिल्कुल वहाँ पे आदमी का रहना पॉसिबल नहीं है। रसिया में तो ऐसे होता है कि आप देखेंगे 3-3 महीने, 3-3 महीने ठंडी में एक आध घंटे कभी सूरज निकल गया तो निकल गया, एक आध घंटे। और जरा सोच के देखिए इंडिया, सोलर, आज के ज़माने में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और आप याद रखिए ये देश ऐसा है जहाँ पे सूर्य भगवान की असीम कृपा है। यकीन मानिए आप तो रसिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों को, आप कहीं भी आप चले जाइए, हमारे इंडोनेशिया चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, गोवा चले जाइए, उन सब देशों में आपको 90% रसियन मिलेंगे, सारे ठंडे में भागे होते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जाओ धूप लो मर जाओगे, और आके हमारे यहाँ लेटे होते बिना कपड़े पहने, दैट इज फैक्ट। तो ये तो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। इंडिया जरा सोच के देख, कोस्टल इतना बड़ा कोस्टल साइज। अच्छा आप बताइए इंडिया कोस्टल साइज कितना है, मैं जीएस आपको कितना है, अब जरा सोच के देखिए, ये एक बात आप याद रखिए, फॉरेन पॉलिसी इज ए मिक्सचर ऑफ टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री।
इसे फॉरेन पॉलिसी कॉकटेल है, सारे विषय का आपको मैं एक बार, अब जाते हो व्हाट इज कोस्टल, 7,000 किलोमीटर के आसपास कोस्टल लाइन का मतलब ऐसे समझिए, 7,000 किलोमीटर कोस्टल लाइन का मतलब ऐसे समझिए कि दिल्ली से कोलकाता तक की ट्रेन की दूरी कितनी है, व्हाट इज द लेंथ बिटवीन दिल्ली टू कोलकाता। अच्छा फॉरगेट अबाउट दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई 1200 किलोमीटर है, मतलब 1400 किलोमीटर है। तो अगर दिल्ली टू मुंबई 1400 किलोमीटर है और इनफैक्ट दिल्ली टू कोलकाता भी ऐसे लगभग यही डिस्टेंस है, दिल्ली टू कोलकाता भी लगभग इसी के आसपास डिस्टेंस है। अगर सोच के देखिए, यानी मैं एक बार दिल्ली टू मुंबई जाऊं, उसके बाद मुंबई टू दिल्ली आऊं, उसके बाद फिर कोलकाता जाऊं, फिर कोलकाता से दिल्ली आऊं, ये हमारी कोस्टल साइज है। जरा सोच के देखिए इस कोस्टल साइज इतनी बड़ी होगी, नेवी बड़ी होगी या नहीं, इंडिया की नेवी दुनिया में कौन सी पोजिशन पे है, इंडिया की नेवी कौन से किस पोजीशन पे है, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी इन दिस वर्ल्ड। अब जरा सो, और इंडियन ओशन में सबसे बड़ी नेवी किसकी है, इंडिया की। अब जरा सो साइज का कैसे मिलिट्री फर्क पड़ जाता है, यानी इंडियन ओशन में पूरे, अभी हम मैप आपको पहले दिखा देंगे जरा प्रोजेक्टर में भी, इस पूरी रीजन में अफ्रीका से जैसे आप निकलते हैं जापान से चाइना जाने के लिए, इंडियन ओशन इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ द, इंडिया इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ इंडियन ओशन। भारत पूरे हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ है, यानी कोई मूवमेंट इंडिया के जाए बिना हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा कोस्टल एरिया होगा तो इतनी बड़ी, इसलिए हमने INS भी गोर स्कोप लिया। अगर सोच के देखिए गोर स्कोप की आवश्यकता नेपाल को थी, भूटान को था, इंडिया को थी, वाई नेपाल क्या करेगा वो गोर स्कोप लेके, भूटान, अफगानिस्तान, यानी दुनिया में कई देश ऐसे होते हैं जो लैंडलॉक होते हैं। लैंडलॉक का मतलब मैं ये बता दूं, समुद्र ठीक है अच्छा जो लैंडलॉक का मतलब ये बता दूं, कुछ लोग होते हैं जो क्लास में हमेशा क्लास के एकदम से वहां दरवाजे के पास बैठते हैं, आपने ध्यान दिया क्यों, अच्छा इस कुछ लोग होते हैं हमेशा बगल वाली रूम में बैठते हैं, वही वो ऐसा बैठ जाते हैं, दे आर हैविंग सम थॉट इन देयर माइंड, और जो लोग कोने बैठे हुए, वो जो कोने बैठा हुआ क्लास के पहले निकल नहीं सकता, निकलने का प्रयास करो, बगल वाला बैठा है बैठ जाए, बेकार की बात करता है, डिस्टर्ब करेगा, बैठ जाओ, और बहुत जरूरी भी काम आ जाए तो आप निकल नहीं सकते। कोने वाले व्यक्ति बड़ा होशियार होते हैं, धीरे से बैग लिए निकल गए, यानी जो कोने बैठा हुआ लैंडलॉक है, और जो एकदम बगल बगल बैठे हुए हैं वो कोस्टल एरिया में है, यानी उनका आना जाना दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। जो लैंडलॉक का मतलब है इसकी चारों तरफ से टेरिटरी लैंड से घिरी हो, दैट मे बी है, दैट कैन बी नोन एज ए लैंडलॉक। इंडिया इज नॉट लैंडलॉक कंट्री, आप याद रखिए, अफगानिस्तान इज डिपेंडेंट ओवर पाकिस्तान फॉर एंटरिंग इनटू ओशन और ईरान, और अफगानिस्तान की डिपेंडेंसी पाकिस्तान पर रहेगी, नेपाल की डिपेंडेंसी इंडिया पे है, भूटान की डिपेंडेंसी इंडिया पे है, लैंडलॉक। इंडिया की डिपेंडेंसी ट्रेड के लिए किसी भी देश पे नहीं, लोकेशन का बड़ा फर्क होता है, और ऐसा ही नहीं रशिया के पास भी समुंदर है जम जाता है, इंडियन ओशन 12 महीने खुला होता है, और इंडियन ओशन में तो एक एक से ऐसे आईलैंड बीच बीच में है। अंडमान निकोबार आईलैंड इज 1200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द चेन्नई, चेन्नई से 1200 किलोमीटर दूर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 150 किलोमीटर पास है इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया से अंडमान निकोबार द्वीप समूह आना ज्यादा आसान है बजाय की इंडिया से, इसलिए चाइना को प्रयास करना पड़ता है कि इंडियन ओशन में, चाइना लगातार प्रयास करता है कि मालदीव में आ जाए, यहाँ पे श्रीलंका में आ जाए, हम तो इंडियन ओशन में पहले से बने हुए हैं, दैट इज इंडिया इज हैविंग इट्स यूनिक पोजिशन इंडियन ओशन। हिंद महासागर में इससे विशिष्ट स्थिति शायद ही किसी देश की होगी जितनी इंडिया की है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब वो फॉरेन पॉलिसी में हमेशा डिटरमाइन करती है, और आप देखेंगे इसलिए वो देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ आक्रमणकारी आए इधर से आए या इधर से आए। अब जरा ज्योग्राफी अब देखिए, ज्योग्राफी पहला का है साइज, ज्योग्राफी में पहला है साइज, और दूसरा आप एक बात याद रखिए, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। नदियों के मामले में आप देखिए, मिनरल्स के मामले में आप देखिए,
फर्टाइल लैंड के मामले में आप देखिए, और इंडिया जितना बड़ा है कि आप इधर आप सोच के देखिए, इस तरफ से हिमालय, नॉर्थ से हिमालय, और दो तरफ से इधर समुंदर, एक ही एरिया हमारा ऐसा है विच इज जिसके पास, यानी ये समुंदर नेचुरल बाउंड्री कहलाता है, जिस देश के आसपास समुद्र है वो क्या प्राकृतिक सीमा समुद्र बनाता है। समुद्र कई फायदे होते हैं। समुद्र का पहला फायदा होता है, समुद्र में गए मछली मार के, समुद्र वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्लेनी के लोग चिंता करते हैं, गेहूं बोया, चावल बोया और बारिश ना हुई, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस दो ठो जाल लेके जाना है, जाल लेके जाना है और मछली मार के लेके चले जाना है, उसके बाद फिर बनाया खाया आराम से, नाव निकालते हुए गए मछली मार के लेके चले आए, पहला सिक्योरिटी का मामला। दूसरा, अब जरा ध्यान से देखिए, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट किन किन लोगों के साथ है? यानी बॉर्डर डिस्प्यूट उनके साथ है जिनके साथ लैंड है। और दूसरा, याद रखिए, जब हम किसी देश को डिफाइन करते हैं, जब किसी देश को डिफाइन करते हैं, इसका मतलब है, राज्य का मतलब क्या है? सॉवरेन एंटिटी, स्टेट मीन्स अ सॉवरेन एंटिटी, और सॉवरेनिटी का मतलब है हमारा भौगोलिक क्षेत्र है जिसपे हमारी संप्रभुता का विस्तार है। लेकिन आप याद रखिए, समुन्द्र में हमारी संप्रभुता कितनी है? 12 नॉटिकल माइल। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी है, तो इसी वजह से देश की संप्रभुता केवल भूभाग पे ही नहीं होती, देश की संप्रभुता समुद्र पे होती है, दैट इज 12 नॉटिकल माइल। और अगला, इस समुद्र के पास 200 नॉटिकल माइल्स में ये हमारा क्या है? ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 200 नॉटिकल माइल तक हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसका मतलब है 12 नॉटिकल मील तक आवर सॉवरेंटी इज एक्सटेंडेड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। हमारे देश की संप्रभुता 12 नॉटिकल मील तक है। संप्रभुता का मतलब है इस 12 नॉटिकल मील में कोई भी देश बिना हमारी परमिशन के आ नहीं सकता। उस समुद्री क्षेत्र पर अगर कोई देश आना चाहता है, व्यापारिक जहाज हो, तो पहले हमसे परमिशन लेगा, और विमान के यानी जो शिप होते हैं, नेवल शिप होते हैं, उनके तो आने के चांसेज नहीं है विदाउट परमिशन। वो हमारी संप्रभुता है, उस क्षेत्र में बिना हमारी परमिशन को एंट्री नहीं कर सकता। 200 नॉटिकल मील में एनी कंट्री इज अलाउड टू एंटर इन दैट रीजन, इन दैट रीजन। उस 200 नॉटिकल मील का मतलब कोई भी देश उसमें एंट्री तो कर सकता है, आए जाएगा, व्यापार के लिए जाएगा, ये नेवल शिप नहीं आएगा, लेकिन आर्थिक काम करने का अधिकार उसी देश को होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिकेट्स दैट वी आर हैविंग द सॉवरेन इकोनॉमिक राइट्स ओवर दैट रीजन। फिर हम कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन करना चाहे हम ही करेंगे, मछली मारना चाहे तो हम ही करेंगे। और एक बात याद रखिए, 200 नॉटिकल मील के आगे का समुद्र कहलाता है ओपन सी, एंड दैट इज सम टाइम इज नोन ब्लू इकोनॉमी। और 200 नॉटिकल मील के बाहर का समुद्र उसका है जिसके पास ताकत है। अब जरा सोच के देखिए, इसलिए आपका ज्योग्राफिकल लिमिटेशन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन आप कहां कर पाओगे? भाई, जो आपका कश्मीर से कन्याकुमारी इज टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम किसी देश की टेरिटरी छीन लेंगे, इसकी संभावना नहीं होगी, होगी तो बड़ी कॉस्टली हो जाएगी, वॉर हो जाएगा। समुंदर तो उतना है जितनी हमारी क्षमता है। इसलिए इफ यू लुक द पास्ट, ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पर नियंत्रण कैसे किया था? बहुत ध्यान से आप देखिए, ये हैरानी की बात है कि 16th century में पुर्तगीज हमारे यहां पे है। 16th century में पुर्तगीज ने आया कि गोवा जैसे क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अंडमान में उधर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया था। अगर सोच के देखिए, डिस्टेंस बिटवीन अंडमान एंड इंग्लैंड, इफ यू लुक द डिस्टेंस बिटवीन अंडमान एंड इंग्लैंड, 10,000 किलोमीटर दूर है, फिर भी उन लोगों ने पूरी दुनिया पर समंदर पर नियंत्रण कर लिया था। पूरी दुनिया पे सबसे बड़ा व्यापार कैसे होता है? समुद्र से। इसलिए समुद्र पे नियंत्रण है देन ट्रेड, समुद्र पे नियंत्रण है सिक्योरिटी, समुद्र पे नियंत्रण है ईजेड, समुद्र पे नियंत्रण है ऑयल एंड गैस, समुद्र पे। इसलिए आप देखेंगे व्हाई यूएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेट पावर।
या अमेरिका को दुनिया के एकमात्र सुपर पावर कहा जाता है, दुनिया के प्रमुख लोकेशन पे अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, डायोगा गार्सिया। डायोगा गार्सिया इज अभी 1200 नॉटिकल मील नीचे है श्रीलंका के, इंडियन ओशियन में डायोगा गार्सिया बना हुआ है, लेकिन अमेरिका के सैनिक अड्डे वहां, गुआम आइलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, बहरीन, इधर फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के जितने भी समुद्री क्षेत्र देखें पूरे पर नियंत्रण किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक बात बहुत साफ है, इंडिया का मेजर पावर है, इंडिया इंडियन ओशन में अपना प्रभाव बढ़ाएगा, वो है भी, लेकिन चाइना लगातार अपना प्रभाव बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए हम, चूंकि भी हम इंडिया को डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, रीजन ऑफ वर्ल्ड पे नहीं आ रहे हैं, बिकॉज नाउ वी आर सेइंग दैट व्हाट डज इट मीन बाय इंडिया। और चाइना के फैक्टर जब अमेरिका की बात करेंगे तो इंडिया से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, वो तो हमें सेकेंड लेवल पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमारी विदेश नीति कैसी होगी वो हमारे आकार से, ज्योग्राफी से, लोकेशन से, सारी बातें तय होती है। और आप साफ तौर पर देखेंगे पूरे इतिहास को, आप देख लीजिए 1962 के पहले हिमालय को भेदने का प्रयास कभी कोई कर नहीं पाया। हिमालय और ये समुन्दर, दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ नेचुरल बाउंड्री एंड नेचुरल सिक्योरिटी फॉर इंडिया, सो दैट्स वेरी गुड, दैट्स ऑलवेज वेरी गुड फॉर इंडिया। एक ही देखिए, इसलिए राजस्थान और पंजाब के लोग लड़ते लड़ते बहादुर हो गए, सारी लड़ाई है इन्होंने झेली, यूपी बिहार में तो लड़ाई लड़ी आई नहीं। तो आप हिस्ट्री उठा के देखें, सारी लड़ाइयाँ तो लोगों ने झेली, यही सारे दुश्मन आए, यही खूब लड़ाइयाँ हुई। इस वजह से आप जरा देखिए, इंडिया की लोकेशन भी अच्छी है, ज्योग्राफी भी अच्छी है, साइज भी अच्छा है, तो ज्योग्राफी में कई चीज़ें आ जाती हैं, ज्योग्राफी में कई आते हैं। लेकिन आप देखेंगे एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो साइज ही से मामला नहीं है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो शायद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन फिर वो हम उस दूसरे लेवल पर एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे इंडिया की बात नहीं आएगी, फिर रीजन की बात आएगी, फिर चाइना आएगा, पाकिस्तान आएगा। अगर हम बात को अपनी भी इंडिया तक सीमित रखें, सेकेंड इज द साइज, थर्ड यानी यही तो है विदेश नीति के निर्धारक। जब हम विदेश नीति के निर्धारक की बात करेंगे तो यही तो है साइज, तीसरा। कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है, यानी कैसे हमारी विदेश नीति डिटरमाइन करती है, तो हमने दो फैक्टर बताया, पहला पॉपुलेशन, दूसरा साइज, तीसरा हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड कल्चर। यानी इंडिया अच्छा, हिस्ट्री एंड कल्चर में देखिए, आपको याद दिला दें, हमारी हमारी दुनिया में कई ऐसे राज्य हैं, जैसे इसराइल, इसराइल ना, इसराइल जैसे राज्य का अस्तित्व तो 1948 के पहले था ही नहीं। लेकिन अब देखिए इंडिया, इंडिया 1947 से था या 5000 साल पहले से था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर नॉट ओनली स्टेट, वी आर ए सिविलाइजेशनल स्टेट, ये बहुत बड़ी बात है। रसिया, रसिया 1917 से है, या उसके पहले जार एम्पायर था उससे भी आप रसिया का इतिहास लेंगे तो भी रसिया क्या है, 200 से 250 साल पुराना है। अमेरिका का इतिहास 300 साल पुराना है, अमेरिका की हिस्ट्री 300 साल पुरानी है, और हिस्ट्री से फर्क पड़ता है भाई, किसका कितना पुराना इतिहास है, कौन कब से है, ये माइंड में मैटर करता है फॉरन पॉलिसी में, क्योंकि इतिहास बहुत सारी चीजें बता देता है, वहाँ कल्चर कैसा है, लोग कैसे थे, कला कैसी थी, संस्कृत कैसी थी, शासन प्रणाली कैसी थी। तो जब जिसका जितना लंबा अतीत होगा वो चीज़ें वर्तमान तक आएंगी, वर्तमान तक दिखेंगे। दुनिया में कई ऐसे देश हैं हम देखें जिनके इतिहास अब ढूंढे, मैं रसिया बता दिया, अमेरिका बता दिया, या कुछ देश ऐसे भी थे जिनकी सभ्यताएं तो बहुत पुरानी थी लेकिन अस्त व्यस्त हो गए, जैसे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, दैट वॉज अ वेरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, लेकिन फिर उसके बाद राज्य उसके हिसाब से बन नहीं पाए, अलग अलग सब हो गए। लेकिन उस मामले में देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ इंडिया गोज बैक टू ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स एगो,
ये 5000 सालों का इतिहास है और आप देखेंगे 5000 सालों के इतिहास में इसी इंडिया इज हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर। अगर हिस्ट्री इतनी लंबी है तो इस हिस्ट्री से क्या फर्क पड़ता है, नंबर एक। अगर हम हिस्ट्री से क्या फर्क पड़ता है, नंबर एक सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर का मतलब ही आपको बता देते हैं। वैसे एक बार याद है किताब के पहले पेज पे टर्म्स लिख रखे गए हैं, उन टर्म्स को हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन तब भी आप एक बार उसको पढ़ के पाना कि ये सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है। इंडिया इज हैविंग सॉफ्ट पावर। इंडिया का सॉफ्ट पावर कैसा है दोस्तों, अगर आपको याद दिला दे, आपको आपको पता है किस समय भाई, अच्छा एप्पल इज वन ऑफ बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय है? एप्पल कंपनी सबसे बड़ी कंपनियों में है या नहीं है? है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। लेकिन एप्पल कंपनी का जो आपने लोगो देखा होगा, वो लोगो कहां से आया एप्पल कंपनी का? क्या ईसाई धर्म संबंधित? क्या अच्छा, कहां से आपने? क्या करें, क्या कर दिया था? स्टीव जॉब्स, स्टीव। अब एक बात याद रखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में दैट इज समथिंग, एक बात याद रखिए कि पूरी दुनिया में जब लोग जो होते हैं कोई साधु गुरु ढूंढने के लिए, दे वंस विजिट इंडिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंडिया के लिए आज भी बात कही जाती है, इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट इज स्पिरिचुअल कंट्री। हर देश के ऐसे विशेषण नहीं लगते। अच्छा, इंडिया के कल्चर में तो वैसे तो स्पिरिचुअलिज्म है, लेकिन हमने फिर कहा कि इंडिया कितने रंग है दोस्तों, व्हाट अ डाइवर्स कंट्री इट इज। मतलब सच पूछे, ये देश है, महाद्वीप है, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। अभी अब तमिल केरला में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, कर्नाटका में चले जाइए, खाने पीने के तरीके, पहनावे के तरीके, लैंग्वेज, सब चीज बिल्कुल, ज्योग्राफी एकदम रेडिकल चेंज हो जाती है सारी चीजें। इसलिए आपको याद दिला दें, स्टीव जॉब्स वंस केम इन इंडिया, और कहा जाता है कि वो नैनीताल में बाबा नीम करोली का मंदिर है। मैंने स्टीव जॉब्स वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। स्टीव जॉब्स को ऐसा लगा कि जीवन में कुछ नहीं रह गया है, बड़ा निराश हो गया, जैसे हर व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसा आता है। तो वो मंदिर में गया तो उसको मंदिर ने, बाबा जी ने, वो स्टीव जॉब्स जोड़ने लगा तो बाबा जी ने कहा स्टीव कुछ प्रसाद साथ दीजिए, तो बाबा जी वो सेब खा रहे थे, कटा हुआ सेब दे दिया। उसी को स्टीव जॉब्स अपने लोगों लगा रखा है। स्टीव जॉब्स ने मार्क जुगरबर्ग को भी बात बोली कि एक बार तुम वहां जरूर जाओ। अभी उनका टेम्पल वहां पे है, बाबा तो उनकी डेथ हो गई, तो अभी भी टेम्पल वहां उनका है। दैट इज वन एग्जाम्पल। आप देखेंगे अभी उत्तराखंड में आप चले जाएंगे, दूर दराज में आपको बड़े ब्रिटिशर्स वॉक करते हुए देखेंगे। इफ यू गो इन ऋषिकेश, इवन ब्रिटिशर्स आर, इवन फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स तो हम सामान्य थे, फॉरेनर्स आर मोर इन नंबर इन कंपेरिजन टू इंडिया बाय लर्निंग ऑफ योगा। योग के ट्रेनिंग में वो ज्यादा हमसे इफिशियंट है बजाय इंडियन के। दिस इज वन ऑफ द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। जरा सोच के देखिए, योगा एक साल का है, दो साल का है, या कितने हजार साल का है? यू नो द कल्चर बेटर। पतंजलि का योग सूत्र कब लिखा गया है? अब इंडियन कल्चर तो आप बेहतर जानते हैं दोस्तों, यू कितने कब लिखा गया है? आप उसको हिस्ट्री और कल्चर से जोड़ लीजिएगा। लेकिन ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पतंजलि का योग सूत्र कब का लिखा गया है? सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। और आपको ये भी याद दिलाए दोस्तों, इंडिया का सॉफ्ट पावर कल यहां तक नहीं, एक एक से क्लासिकल म्यूजिक हमारे पास है, और इतने आपको भी, बल्कि मोदी ने बात मन की बात में कही भी है, दैट इज फैक्ट। यूए के शेख हमारे आए थे, तो वी हैव इन्वाइटेड द शेख ऑफ यूए इन द 26 जनवरी प्रोग्राम। तो 26 जनवरी का प्रोग्राम में डिप्लोमेटिक अवसर है। और एक बात याद रखिए, जब आपके यहाँ शादी पड़े, विवाह पड़े, कोई बर्थडे पड़े, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करिए। ये लोग बड़ा कंजूसी कर जाते हैं, किसी को नहीं खिलाएंगे। खिलाने देखिए, बी ए मारवाड़ी,
मैंने कई मारवाड़ियों को देखा दोस्तों, केवल उनका ये नहीं, केवल उनका संबंध से बिजनेस चलता है। वो क्या करते हैं, किसी आदमी पर 1,000 रुपए खर्च करेंगे, उसे 1,500 का फायदा ले लेंगे। हम क्या करेंगे, नहीं 1 रुपए चाय पी लेंगे, सुने चाय पी गया, अब इसका चाय कैसे पिया, ना ना खूब पिलाते रहो, खूब पिलाते रहो, मौका देखते रहो, कहां से सहायता ली जा सकती है। किसी याद रखिए, एक खास बात है कि कई लोगों का पीआर तो इतना जबरदस्त होता है और मारवाड़ी बिजनेस में एक नंबर का होता है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री, क्योंकि वहां यूएई के शेख आए। यूएई के शेख ने कहा कि जब 26 जनवरी कार्यक्रम है, इसलिए अच्छा मारवाड़ी बात इसलिए आ गई, 26 जनवरी किसी को बुलाते हैं तो खर्च करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, लंबा पर्पज होता है, इसे वसूलना क्या है। ये डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के तरीके होते हैं, इसे आपका कोई शादी पड़े, विवाह पड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाओ और अच्छा खाना खिलाओ। ये लोग सोचते हैं ऐसे खाना खिलाओ, कोई आया आया तो हम सब, ना ना ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा कई फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इतना आपके विषय जीवन में काम देगा, दूसरा विषय नहीं, क्यों? अच्छा कई लोग तो क्या सोचते हैं, हमारे यहाँ कार्यक्रम में वो मेरे यहाँ नहीं आए तो मैं उसके यहाँ क्यों जाऊँ। अगर आपके यहाँ कोई नहीं आए तो बेवकूफ है नंबर एक। आप ये तो कभी सोचें जब कोई मेरे यहाँ है तो मैं जाऊँ, सबके यहाँ कूद कूद के जाइए, मैं जाने के फायदे बता रहा हूँ आपको। अगर सबके यहाँ जाएंगे पहला भाई, सबके यहाँ जाएंगे तो आप खाना पीना अच्छा मिलेगा, दोस्त मिल जाएंगे, डांस करने का मौका मिलेगा, डांस करने का मौका मिलेगा और खाने पीने का मौका तो अलग से मिलेगा। एरिया पे देख कितने फायदे हैं, इस वजह से हम कई लोगों को बुलाते हैं। तो जब हम यूएई के प्रिंस को हमने बुलाया तो यूएई के प्रिंस ने कहा कि ये बताओ इतने लोग आपके यहाँ रहते कैसे हैं, एक साथ कैसे रहते हैं, क्या आपके यहाँ कोई टॉलरेंस डिपार्टमेंट है क्या? नो वी डोंट हैव एनी डिपार्टमेंट लाइक टॉलरेंस। वहां पे सहिष्णुता मंत्रालय है यूएई में, और यूएई में इस्लाम ही केवल धर्म है, 90% लोग इस्लाम को फॉलोअर हैं, स्टिल दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, एंड ही वाज सरप्राइज। नहीं प्रधानमंत्री का ना हमारे यहाँ कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, फिर भी लोग साथ रहते हैं। एक खास भाई दोस्तों, इंडिया इज ए कंट्री, पूरी दुनिया में कोई एक धर्म आप बताइए जो इंडिया में ना हो, कोई धर्म नहीं है। कैथोलिक में भी सबसे जो ब्रांच, 4 ब्रांचेस हैं कैथोलिक के, सारे यहाँ पे, प्रोटेस्टेंट के जितने ब्रांचेज है सब यहाँ पे हैं। और आप याद रखिए इतने यहूदी पूरी दुनिया से मार के भगाए, यहूदी यहाँ पे हैं, पूरी दुनिया से मार मार के भगाए गए, हमारे यहाँ नहीं। और हमारे यहाँ तो आप देखेंगे हिंदुइज्म कितनी ब्रांच रही, शैव वैष्णव निरंकारी शाकाहारी मांसाहारी, आई हैव नेवर सीन अ सच डाइवर्स कंट्री। ये बात है सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के बाद, ये माना जाता है सोवियत संघ भी काफी डाइवर्स था इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, यूक्रेनी भी थे, जॉर्जियाई भी थे सब, लेकिन 1990 सोवियत संघ का विघटन हो गया। इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री कहीं पे है ही नहीं है। टॉलरेंस इज अ सिग्नेचर ट्रेडमार्क ऑफ इंडिया। और ये याद रखिए जिसको भारत में सहिष्णुता नहीं दिखती उसने पूरी दुनिया देखी नहीं है, उसने पूरी दुनिया बिल्कुल नहीं देखी है, और या तो देखी है तो उसमें पूर्वाग्रह है। निश्चित तौर पर यहाँ भी फ्रेंच एलिमेंट तो ही है भाई, हर समाज में इस तरीके से लोग होते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से हिंसा भड़का देते हैं। लोगों का मूल स्वभाव क्या है, टॉलरेंट, लोगों का मूल स्वभाव ही टॉलरेंट है। तो आप याद रखिए क्रिश्चियन कल्चर से बात लिखती है, इतना नहीं क्रिश्चियन कल्चर में एक बात जो थोड़ा सा लिख लीजिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो हो सकता है आपके नोट्स किताब में कम दी हुई इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखवा दे रहा हूँ, व्हाई हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला अच्छा ये भी, जब हम सॉफ्ट पावर शब्द को हमने परिभाषित किया, सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है, देखिए याद रखिए पावर का सीधा सा मतलब होता है कि बहुत लेमैन की भाषा में कहे तो दूसरे से वो काम करा लेना जो नहीं करना चाहता, ये पावर है। पावर लठ से हमेशा नहीं निकलती, कुछ लोग सोचते हैं लठ लेंगे पावरफुल हो जाएंगे, बंदूक लेंगे पावरफुल हो जाएंगे, दैट मे बी मीडियम ऑफ पावर। वो अपने आप को पावरफुल बनाना विचार से भी हो सकता है, कल्चर से भी हो सकता है। अब देखेंगे कि जैसे कि कोई भी एग्जांपल हम ले, मान लीजिए कि अब कोई प्रशासनिक अधिकारी है वो पावरफुल है नहीं है, क्या अपने प्रभाव का प्रयोग करता है या बल का प्रयोग करता है, प्रभाव का प्रयोग करता है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दूसरा मान ले तो सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है, कल्चरल पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है, आइडियोलॉजिकल पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है, और सॉफ्ट पावर हमेशा जैसे वो ध्यान से कई देशों के आइडियोलॉजिकल पावर, कल्चरल पावर इज वेरी इफेक्टिव। आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल पावर मीन्स
जहां पे शक्ति लोगों को प्रभावित कर देती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे फुटबॉल हम खेलते हैं, कि दूर कहां से आए फुटबॉल का खेल, जरा सोच के देखिए, खेल आया इंग्लैंड से, खेल रहे हैं हम, दैट इज सॉफ्ट पावर इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग। दूसरा क्रिकेट कहां खेल है और हमें इतना इंटरेस्ट क्रिकेट में होता है, सॉफ्ट पावर। तीसरा देखेंगे मॉडर्न डेमोक्रेसी कहां से आई, इंग्लैंड और अमेरिका से, सॉफ्ट पावर। कपड़े पहनने के तरीके, योगा, फिल्में, ये क्या है, सॉफ्ट पावर। डेमोक्रेसी सॉफ्ट पावर, इसका मतलब चाहे खेल हो, चाहे शासन प्रणाली हो, चाहे योगा हो, चाहे कल्चर हो, चाहे हॉलीवुड की फिल्में हो, ये सब सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रेस, मीडिया, बुक्स, यानी अगर आपको अपने विचार फैलाना है, यानी अगर आपको दुनिया में शक्तिशाली बनना है तो अपने विचार फैलाइए, और अपने विचार फैलाएंगे तो आपके विचार को लोग फॉलो करेंगे, तो वैसे प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। बाबा रामदेव, एक विचार ही दिया, सांस लो, सांस खोलो, और सांस लेने खोलने दोस्तों 10,000 करोड़ का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। बाबा रामदेव इज पावरफुल पर्सन और नॉट, क्या लेके आए थे, क्या लेके आए थे, एक विचार। और अभी दोस्तों, अभी जस्ट यू सी, अब बता सोच, फेसबुक क्या है, विचारित था फेसबुक, बता। अब अभी तो ऐसे इंडस्ट्रीज बन गए हैं, पहले इंडस्ट्रीज बनने का मतलब क्या था, बड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा, एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा, बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी, बड़े से लोहे। अभी तो सारे बिजनेस आइडियाज बेस्ड हो गए हैं। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ, रियलिटी में आइडिया कैन चेंज द लाइफ। और आइडिया क्या है, सॉफ्ट पावर है। इसीलिए भारत का या दुनिया में किसी भी देश में हिस्ट्री से हमें क्या मिलता है, सॉफ्ट पावर, हिस्ट्री सॉफ्ट पावर मिलता है। अच्छा, हिस्ट्री से सॉफ्ट, अब सवाल ये है, हिस्ट्री सॉफ्ट पावर मिला तो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो गया क्या? तो ये इंडिया में थोड़ा सा कुछ लोग इस बात पे थोड़ा क्रिटिकल है। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे सोच के देखिए, अगर इंडियन सॉफ्ट पावर होंगे, इंडिया में सॉफ्ट पावर ज्यादा रहेगा, योगा ज्यादा रहेगा, अध्यात्म ज्यादा रहेगा, तो योगा अध्यात्म लड़ने भिड़ने कल्चर नहीं देता, पहली प्रॉब्लम आएगी फिर उससे, कि भाई इफ इंडिया इज अ कंट्री स्पिरिचुअल लैंड, होली लैंड, फिर तो आध्यात्मिक देश है, औघड़ों का देश है, धर्मावलंबियों का देश है इंडिया इज अ कंट्री। अगर ऐसा देश है दोस्तों, ठीक है, मार जुगरबर तो आएगा, लेकिन देश पे लड़ाइयाँ होगी तो उनका उनका मुकाबला कौन करेगा, लड़ाइयाँ तो होगी। इसे आप देखिए, और लड़ाई में तो साम दाम दंड भेद सभी आपको अपनाना पड़ेगा। नेहरू दुनिया को प्यार से जीतना चाहते थे, प्यार से दुनिया जीती गई क्या, नहीं जीती जा पाई। इसे आप याद रखिए, चक्कू तो रखना पड़ेगा दोस्तों। कई बार जो लोग कई बार लोग इस बार मेंस में सवाल पूछा भी गया था, लगातार में इस बात को हम बताते भी रहते हैं, ऐसा नहीं किया, इस सॉफ्ट पावर ने सामरिक कल्चर को पीछे कर दिया, ऐसा तो नहीं रहा कि इंडिया में स्ट्रेटजिक कल्चर का विकास नहीं हो पाया। कि स्ट्रेटजिक कल्चर का मतलब क्या बताएं आपको, स्ट्रेटजिक कल्चर का मतलब क्या है, जब स्ट्रेटजिक शब्द का प्रयोग करते हैं तब सवाल है, सॉफ्ट पावर तो आगे बढ़ा, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सुरक्षा शक्ति हित का मामला पीछे तो नहीं हो गया। जैसे खासतौर पर देखें चाइनीज के बारे में कहा जाता है, चाइना में बहुत पहले उसने ऐसी दीवार बना ली जो बाहरी आक्रमणकारियों को रोक दिया, दैट इज स्ट्रेटजिक कल्चर। अभी अब खासतौर पर कई आप देखें, स्ट्रेटजिक कल्चर का मतलब क्या है, हमारे यहाँ कई आप देखें फोर्ट, आप देखिए फोर्ट क्या है, बहुत ऊपर बना होता है। और एक बार की बात है कि वंस आई विजिटेड गोवा, तो गोवा पे मैं जब मैंने पुर्तगीज का फोर्ट देखा, तो मैंने उनसे गाइड से पूछा कि व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्ट, तो फोर्ट तीनों तरफ समुद्र दिखता है, तो हमने कहा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उन्होंने कहा पुर्तगीज ने ये फोर्ट इसलिए बनाया था कि उनका डच और पुर्तगीज से लड़ाई हुई, तो डच ने क्या किया था, हॉलैंड वालों गोवा के लिए, हॉलैंड और पुर्तगाल के बीच लड़ाई 16वीं शताब्दी की बात है। स्ट्रेटजी का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हाट डज इट मीन बाय स्ट्रेटजिक, तो उन्होंने क्या किया, हॉलैंड वालों ने पुर्तगीज की सारी शिपिंग लाइन को रोक दिया पानी पर कंट्रोल करके, भाई आपके व्यापारी हैं, पानी नहीं मिलेगा, समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते, आपको रिवर वाटर चाहिए, रिवर वाटर को कंट्रोल कर लिया हॉलैंड के लोगों ने।
तो फिर पुर्तगीज ने वहां पे अपना किला बनाया, किले में वाटर मांडवी रिवर का वाटर सेव कर लिया। मांडवी रिवर के पूरे वाटर को सेव करने के लिए उन्होंने ऐसी जगह पे किला बना लिया जहां पे पूरे वाटर पर कंट्रोल उसका होगा। दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक। आप आमेर को देखिए, जयपुर को देखिए, किला कहाँ बना हुआ है? बिल्कुल पहाड़ी पर। शिवाजी का देखिए, रायगढ़ किला आप देखिए, अगर स्ट्रेटेजिक मतलब शिवाजी किला तो ऐसा है उस पर चढ़ना ही मुश्किल, आज के डेट में चढ़ना मुश्किल हो। कैसे चढ़ते पता नहीं, वही बता सकते। शिवाजी किला कभी जीता नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जब हम स्ट्रेटेजिक की बात करते हैं, कोई भी बात आपके दिमाग में सुरक्षा पहले होनी चाहिए। कैसे सुरक्षा रहेंगे, दुश्मन कैसे हमला कर देगा, उसका पहले सबको प्री प्लान करना पड़ेगा। और इस मामले में आप आइडियल नहीं हो सकते, आदर्शवादी नहीं। मैं भी भगवान ने मुझे बनाया, स्पिरिचुअल कल्चर क्या बताती है, मैं भी भगवान के संतान, दुश्मन भगवान के संतान, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी ईश्वर, आजा भाई गले मिल जाए। अब गले मिलके एक बात याद रखिए, आप कई बार, मैं तो इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं जब कई बार सोचता हूं, एक बात आपको याद रखते हैं, भारत में लड़ाके भी रहे तो वो भी क्लास ही थे दोस्तों। जो लड़ाके थे वो हारने वाले बिल्कुल नहीं थे, लेकिन लड़ाके हारे कैसे? आपको याद है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध? मोहम्मद गोरी को भागते हुए पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहां धर्म युद्ध का विचार था। धर्म युद्ध में मना किया गया था किस किस समय शत्रु को नहीं मारना है। दैट इज रिटन इन द वेदास, पुराणों में लिखा गया था कब शत्रु को नहीं मारना है। कोई बाल बिखेर कर आपके शरण में आ जाए, नो, यू कांट किल द एनिमी, उसमें आपके शरण में आ गया, उसको आप नहीं मार सकते। भागते हुए आदमी को नहीं मार सकते। सूरज ढल गया और शंख बज गई, नहीं मार सकते आप। इसीलिए सारा युद्ध लोग हार गए। धर्म युद्ध हार गए। युधिष्ठिर इज एग्जाम्पल ऑफ धर्म युद्ध। अब यदि सवाल है दोस्तों, तब तो स्ट्रेटेजिक कल्चर आपको छोड़ना पड़ेगा। जबकि युद्ध की रणनीति क्या कहते हैं, युद्ध में जीत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए साम दाम दंड भेद सभी लगा दीजिए। एक बात याद रखिएगा, कील अगर कील बिना नोक की हो तो दीवाल में कभी धंसेगी नहीं। कील को दीवाल में धंसाने के लिए उसको नुकीला करना ही पड़ेगा, और कई बार घी को निकालने के लिए अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और जंगल में एग्जाम्पल है, सीधे पेड़ सबसे पहले कटते हैं। इस अगर आप बहुत सीधे हैं दोस्तों, लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसे क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजिक कल्चर सीखिए। स्ट्रेटजिक कल्चर के अपने फायदे के लिए हर वो काम करिए जो आपको फायदा पहुंचा दे। इसे किसी का नोट्स अच्छा है खिसका लीजिए, सोचिए मत फायदा हो रहा है कि नहीं हमें। किसी आप स्ट्रेटजिक कल्चर आप देखिए, कहाँ कमरा ले रहे हैं, दुश्मन के दुश्मन पर निगाह रखिए। कमरा ऐसा लीजिए जैसे हॉस्टल में आप जा रहे हैं, कमरा लेते समय ध्यान दीजिए। हम क्या कमरा लेते समय ध्यान कि हवा आ रही कि नहीं है, नहीं हवा पानी नहीं है। कमरा कोने पर होना चाहिए, मूवमेंट देखते रहिए, कौन कहाँ आ रहा है, किसके यहाँ जा रहा है, ये स्ट्रेटजिक पॉइंट होता है। तो जब हम स्ट्रेटजिक शब्द का प्रयोग करते हैं, स्ट्रेटजिक, अब जरा सोच के देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्ट्रेटजिक है या नहीं है? एंड सियाचिन स्ट्रेटजिकली लोकेटेड, सियाचिन स्ट्रेटजिकली लोकेटेड। जब हम स्ट्रेटजिक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो अपने आप में राज्य की शक्ति को बढ़ा दे, जहां से खड़े होना हो, हार जीत का अंतर तय कर दे, दैट मीन्स स्ट्रेटजिक। जब हम ये कह रहे हैं, इंडिया में क्या ये स्ट्रेटजिक कल्चर ही नहीं थी? कहते तो है यार, कुछ शांति की इस प्रवृत्ति ने स्ट्रेटजिक कल्चर को पीछे किया। कैसे, एक दो एग्जांपल आप लिख लीजिए। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर आदर्शवादी नैतिकतावादी चिंतन का अत्यधिक प्रभाव है। The idealist and moral thought has much more influence over Indian history and culture.
भारत के इतिहास पर नैतिकतावादी आदर्शवादी संस्कृति का प्रभाव है, वह भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म युद्ध के माध्यम से देखा जा सकता है। धर्म युद्ध अंडरलाइन देयर कैन बी सीन इन फॉर्म ऑफ धर्म युद्ध इन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, जो भारतीय संस्कृति में धर्म युद्ध के माध्यम से देखा जा सकता है, जो गौतम बुद्ध के विचारों में दिखता है, विच इज लेटर रिफ्लेक्टेड इन आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जो गौतम बुद्ध के विचारों में देखा जा सकता है, जिसे सम्राट अशोक ने अपनाया, विच वॉज लेटर एक्सेप्टेड बाई अशोका टू। जिसे सम्राट अशोक ने अपनाया और अब और कहा जाए और ही कहा और सम्राट अकबर ने भी सुलह कुल की संस्कृति को विकास किया। सुलह कुल मतलब सहिष्णुता, सम्राट अकबर ने भी सहिष्णुता की नीति अपनाई। द एम्परर अकबर ऑल्सो अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। सम्राट अकबर ने भी सहिष्णुता की नीति अपनाई और इस विचार को महात्मा गांधी ने द सेम आइडिया वॉज एक्सेप्टेड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। इस विचार को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रयोग किया। इस विचार को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रयोग किया और यह माना जाता है कि नेहरू की विदेश नीति पर एंड देयरफॉर इट एक्सेप्टेड फैक्ट दैट और यह माना जाता है कि नेहरू की विदेश नीति पर भी इस आदर्शवादी चिंतन का अत्यधिक प्रभाव था। द नेहरूअन फॉरेन पॉलिसी वॉज वेरी मच इम्पैक्टेड बाई दिस आइडलिस्टिक मॉरलिस्टिक ट्रेडिशन। नेहरू की आदर्शवादी नीति पर भी इस चिंतन का अत्यधिक प्रभाव था। तो आपको याद दिला दें, दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स। ये ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें दिखता है साफ तौर पर इंडिया में, यानी पूरी दुनिया में, आप तो जीएस में हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे होंगे, पूरी दुनिया में देयर इज वन एग्जांपल जहां राजा युद्ध जीत कर सन्यासी बन गया, दैट वाज अशोक। और आप देखेंगे पूरी दुनिया में हमारे सूफिज्म का विकास हुआ एंड अकबर इज वेरी प्रोमिनेंट। अकबर ने हिंदू धर्म इस्लाम धर्म के बीच का समन्वय किया, सूफिज्म, दैट सूफिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। पूरी दुनिया में कहीं भी आप देखेंगे, चाहे पश्चिम एशिया में, चाहे जहां पे इस्लाम है, वैसा कोई कल्चर नहीं है जिसने हमेशा टॉलरेंस सिखाया हो। इंडिया में ऐसा दिखा। अब सवाल ये है, इसका मतलब है कि लोग कहते हैं इंडिया में, इसलिए नेहरू, हम जब नेहरू की फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, इट वॉज वेरी मच आइडलिस्टिक मॉरलिस्टिक। नेहरू के विदेश नीति में नैतिकतावाद धुर था, नैतिकता। और वंस आई वॉज रीडिंग आउट आर्टिकल, उसमें ये बात लिखी गई थी कि आखिर में हमारे यहाँ कल्चर में दो ट्रेडिशन थे, एक अशोक का था, एक कौटिल्य का था। चाणक्य जो है, चाणक्य रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से बड़ा तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग किसी विषय में है ही नहीं है। लेकिन सवाल है कि अर्थशास्त्र की ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग फॉरेन पॉलिसी में क्यों नहीं आ पाई। फॉरेन पॉलिसी वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई दैट आइडलिस्टिक एंड मॉरलिस्टिक थॉट। कई लोग कहते हैं कि इंडियन कल्चर में निश्चित तौर पर इस स्ट्रेटेजिक थॉट का अभाव रहा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताते हैं कि इंडिया लॉस्ट द वॉर ऑफ 1962। हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के एवोल्यूशन को देखेंगे। अब जरा सोच के देखिए,
पाकिस्तान पाकिस्तान हमसे छोटा है या बड़ा है? पाकिस्तान इज लेस देन उत्तर प्रदेश. पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ की आबादी है, वो हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है. और आपको ये बताइए, स्ट्रेटजिक थिंकिंग मीन्स चाइना. ये बात हमेशा आप देखिए, फॉरेन पॉलिसी में बहुत सीधी सी बात है. अगर स्ट्रेटजिक थिंकिंग आपकी है, सवाल ये है, चाणक्य ने कहा पहला पड़ोसी से सावधान रहना है, पहला पड़ोसी से. और चाइना जैसे आक्रामक राज्य, चाइना का तो बहुत, अब इफ यू लुक द हिस्ट्री ऑफ चाइना, भाई चाइना की बात तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि इफ यू लुक द इंडियन चाइना ऑफ द टू कंट्रीज, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा व्यक्ति लीड कर रहा था जो अहिंसा का पुजारी था, चीन का राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में था, माओ विच वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ वायलेंस एंड द फेमस सेंटेंस ऑफ माओ इज दैट पावर गोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन, शक्ति बंदूक के नली से निकलती है. ये बात पूरी दुनिया को पता थी, माओ ऐसा बोलता था. और 1950 में माओ ने तो यूएस को चैलेंज कर दिया था, विच वॉज द इवन मेजर इंपॉर्टेंट वॉर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. आज भी जो है ऐसा देश जो अपने आप में अमेरिका को चैलेंज कर सकता हो, उससे इंडिया की सामरिक दृष्टि पे कोई फर्क नहीं पड़ा. दैट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन. तो मणिशंकर अय्यर के एक बार मैं आर्टिकल को पढ़ रहा था, तो मणिशंकर अय्यर ने कहा था वाई वी आर ब्लेमिंग नेहरू, कि आप नेहरू क्यों कहते हो कि आदर्शवाद अपनाया, आदर्शवाद अपनाया. नेहरू के विदेश नीति में रियली देयर वाज अ लैक ऑफ स्ट्रेटजिक थिंकिंग, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि भाई अगर चाइना को आप सुरक्षा खतरा नहीं देख पाए तो प्रॉब्लम चाइना की थी, हमारी थी. एक बात याद रखिए दोस्तों, इसे नैतिकतावादी कभी नहीं होना है. और नैतिकतावादी व्यक्ति यह सोचता है कि ना मैं दुनिया में बहुत अच्छा हो गया, आप दुनिया में अच्छे हो गए, पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी क्या? और कई लोग क्या सोचते हैं, किसी आपके स्ट्रेटजिक थिंकिंग अगर आपकी है, चक्कू रखा है कि नहीं, चक्कू रखा है, तमंचा, आप याद रखिए, चक्कू रखिए, तमंचा रखिए, कुछ ना कुछ चीज जरूर, या तो कोई ऐसा गैस रखिए छोड़ दीजिए, कुछ अपने पास मिर्ची उर्ची रखा करिए, कोई अटैक कर दे. आई एम टेलिंग यू द स्ट्रेटजिक थिंकिंग. अब आप क्या रखते हैं, टॉफी रख, गुलाब रख के चल रहे हैं, गुलाब देने के, कोई दो चट्टा मार के गुलाब भी ध्वस्त कर दिया और अब तो गए ही. आइडिया आपको बता दें, देखिए स्ट्रेटजिक थिंकिंग क्या है. पहला तो कोशिश करिए तमंचा. और हमारे यहाँ तो लड़कियों को विशेष तौर पर बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस क्या कहती है, हम लड़कियों के लिए ये कानून बना देंगे, वो कानून बना देंगे. बेकार की बात कर, कानून से मामला बनता है, पावरफुल बनिए. इसे आप लोग बस एक तमंचा रखो और कोई पीछा कर ले, बस एक बार निकाल के, ऐसा पीछे भागेगा दोस्तों दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा. और दो चार लड़कियों ने तमंचा दिखा दिया, समझ जाएगा हर के पास होगा. और दूसरा ये तो कुछ मिर्ची पाउडर को रखो, ये स्ट्रेटजिक थिंकिंग है. रखा क्या है, टॉफी रखा क्या है, कॉस्मेटिक्स बैग में, बेकार की बात है, ये बचाएगा? इस नेहरू वॉज लाइक दैट दोस्तों, है भी स्ट्रेटजिक थिंकिंग. चिली पाउडर रखो आप, अगर अचानक कोई हमला कर ही दिया तो कैसे बचोगे? सबसे अच्छा है तो दोस्तों, सबसे अच्छा है गनी रखना चाहिए, गन रखिए, लठ रखिए हमेशा. कई कई एक बार मैं मतलब रियलाइज, मैं किसी दोस्त के साथ जा कार में खेल हॉकी रखी थी. मैंने कहा भाई हॉकी आजकल खेलना शुरू कर दिया, खेलना नहीं दूसरे के लिए है. मैंने कहा मतलब, मैंने उसने कहा भाई कहीं चल रहे हैं, कोई झगड़ा हो गया तो. दैट इज स्ट्रेटजिक थिंकिंग. नेहरू को चाइना से डर नहीं लगा, दैट इज अ प्रॉब्लम. चाइना इतना आक्रामक और कोई पड़ोसी आपको इतना शक्तिशाली है और आप उससे नहीं डर रहे हो, दैट मे बी अ नोन एज ए वेरी मच मॉरलिस्टिक थिंकिंग. और पाकिस्तान जरा सोच के, पाकिस्तान को तंग किए हुए है, छोटा सा देश है यार. इसराइल, अब देखिए इसराइली की थिंकिंग हमेशा, इसराइली का लोकेशन ऐसे है पूरा दुश्मन से आगे पीछे घिरा हुआ है, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ होती है. इसराइल फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलता है, दैट इज स्ट्रेटजिक थिंकिंग. और आप क्या कहते हो, आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान, आतंकवादी क्यों भेजते हो? कमाल है यार, क्यों भेजते हो? जैसे मैं कहूँगा तुम मेरे घर में आग क्यों झांकते हो, जो मेरे घर में आए झांक के उसकी आंख निकाल लें, फिर तो स्ट्रेटजिक थिंकिंग है. और मैं कह रहा हूँ मेरे घर मत झांका करो भाई, क्यों झांकते हो मेरे घर में, ऐसी गंदी बात है, गंदी बात है. और वो अगले दिन कूद गया मेरे घर में, वो गंदी बात है, गंदी बात है. यू मस्ट हैव स्ट्रेटजिक थिंकिंग. लेकिन दोस्तों कई लोग कहते हैं नो, इवन
अगर आप जरा सोच के देखिए, छोटे छोटे देश हमारे खिलाफ आ गए। चाइना ने हमारे ऊपर 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। इसका मतलब इंडिया वॉज लैकिंग स्ट्रेटजिक कल्चर। कुछ लोग कहते हैं वाई आर ब्लेमिंग नेहरू, नेहरू की बात नहीं है भाई, बहुत अतीत की बात है, पुराने से देखो प्रॉब्लम था। मोटिल्ले को लोगों ने क्यों नहीं अपनाया दोस्तों? इसे याद रखिए, पहला पेमेंट मिलेगा तो आप क्या खरीदेंगे? तमंचा। दैट्स वेरी गुड आंसर। ये स्ट्रेटजिक थिंकिंग होती है, स्ट्रेटजिक कल्चर। तो अगला पॉइंट, नेहरू के द्वारा अच्छा अभी गुट निरपेक्ष विदेश नीति, नेहरू के द्वारा गुट निरपेक्ष विदेश नीति, नेहरू के द्वारा अपनाई गई गुट निरपेक्ष विदेश नीति में, नेहरू के द्वारा अपनाई गई गुट निरपेक्ष विदेश नीति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, द पीसफुल को एग्जिस्टेंस वॉज द कॉर्नर स्टोन ऑफ नेहरूवन पॉलिसी ऑफ नैम। नेहरू के द्वारा अपनाई गई गुट निरपेक्ष विदेश नीति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर बल दिया गया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर बल दिया गया और सामरिक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई। द स्ट्रेटजिक व्यू पॉइंट वॉज निग्लेक्टेड और सामरिक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई। द स्ट्रेटजिक व्यू पॉइंट वॉज निग्लेक्टेड इन द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो विदेश के निर्माण में। तो ये ऐसा कुछ अप्रोच दिखाता है कि नो, इंडिया इज लैकिंग द स्ट्रेटजिक कल्चर। लेकिन अब आप देखिए, अब ऐसा नहीं रहा कि इंदिरा गांधी के बाद से लेके इंदिरा गांधी इस मामले में बहुत ही देखिए, स्ट्रेटजिक का स्ट्रेटजिक कई मतलब होते हैं। मैं सुरक्षा के लिए कई काम आप कर सकते हैं स्ट्रेटजिक। याद रखिए, अभी बात हो सकता है कि इंडिया वॉज नॉट पावरफुल इनफ, 1960 के दशक में इतने शक्तिशाली नहीं थे कि हम किसी न किसी तरीके से सबसे लड़ाइयाँ करते रहे। लेकिन आप याद रखिए, अभी भी जरा स्ट्रेटजिक कल्चर की बात करी, मान लीजिए कि आज की डेट में स्टिल वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम विद चाइना, और चाइनीज आर्मी इज अ 3 times लार्जर देन इंडिया। चाइना की जो समय शक्ति है, सैन्य शक्ति है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, तो चाइना की सैन्य शक्ति हमसे 3 गुनी बड़ी है। हमारी सामरिक संस्कृति में क्या होना चाहिए? हम चाइना की 3 गुनी बड़ी सैन्य क्षमता को अकेले तो पीछे कर नहीं सकते। कौन हमें चाहिए? कौन चाहिए? US. That is strategic culture. आप हमेशा सुरक्षा को पहले रखिए, सुरक्षा को, शक्ति को, अपनी सेनाओं को हमेशा, तब तो मामला आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि there was a lack of strategic culture in India, तो वो सुरक्षा की सोच ही नहीं थी। अच्छा, ये देखिए, आपको फिर याद दिला दे, स्ट्रेटजिक कल्चर का ये मतलब नहीं का वॉर करते फिर ये। नो नो, फॉरेन पॉलिसी में कहा जाता है वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, पहला। और दूसरा, फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और फॉरेन पॉलिसी चलती कैसी है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे। अच्छा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें फायदा होगा या नुकसान, हमेशा उसको मोल तोल करके काम करना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब, अगर मैनेजर हमेशा इस बात को अप्लाई करता है, कॉस्ट बेनिफिट का मतलब कितना पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कितना उपयोगी होगा, कितना पढ़ रहे हैं या कॉस्ट है, कितना बेनिफिट हुआ। एग्जाम्पल देखिए, कोई भी प्रोफेशनल काम करिए तो उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हमेशा अप्लाई करिए, तब आपका रिजल्ट मैक्सिमम होगा। कि पता चला कोई चीज़ पढ़े गए 100 पेज, उसमें से प्रश्न में एग्जाम एक भी नहीं आने वाला है, तो देन यू आर पुटिंग कॉस्ट बट नॉट गेटिंग बेनिफिट। इसे फॉरेन पॉलिसी में कॉस्ट बेनिफिट की बात होती है। तो कॉस्ट क्या है? लड़ना इज मोर कॉस्टली, वॉर इज मोर कॉस्टली अफेयर। तो हमारा उद्देश्य न लड़ना होता है न सहयोग करना। कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट एम ऑफ फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हितों को पूरा करना। तो राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए जो भी तरीका अपनाया जाए वो सब जस्टिफाइड है।
फॉरेन पॉलिसी में एक कहावत है, इंड जस्टिफाई द मीन्स, साध्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, साधन नहीं। अगर साध्य इंपॉर्टेंट है, साधन कोई भी अपनाया जाए चलेगा। तो साधन का इंपॉर्टेंस नहीं होता, इस वजह से ये नहीं, स्ट्रेटेजिक कल्चर का ये मतलब नहीं कि हम लड़ जाएं, भिड़ जाएं, ना ना, दैट इज नॉट इशू। स्ट्रेटेजिक कल्चर का सीधा सा मतलब है कि आप हमेशा इस बात को देखते रहिए आपके ऊपर कोई हमला ना करे, हमला करे तो हार के जाए, हमारे ऊपर संभावित कोई हमला ना होने पाए, दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। और ऐसे आप देखेंगे, हमने तो 1971 के बाद इंडिया किसी के साथ फुल फ्लेज वार हुआ नहीं, लेकिन वो बात तो हम सतर्क हैं, ऐसा हो सकता है कभी, और ऐसा हो सकता है तो कोई हमारे खिलाफ आने ना पाए, दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो एक बार कहा जाता था कि इंडिया के समय स्ट्रेटेजिक कल्चर का अभाव था, लेकिन ये बात पूरी तौर पर सच नहीं है। क्यों? दो तीन एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। भारतीय विदेश नीति में, भारतीय विदेश नीति में इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के द्वारा सुरक्षा इंदिरा गांधी के द्वारा सुरक्षा और सैन्य शक्ति इंदिरा गांधी के द्वारा सुरक्षा और सैन्य शक्ति पर पर्याप्त महत्व दिया गया। फिर इंदिरा गांधी हैज हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पावर इन फॉरेन पॉलिसी। इंदिरा गांधी के द्वारा सुरक्षा और सैन्य शक्ति पर अत्यधिक बल दिया गया और वर्तमान में भी सामरिक संस्कृति को सुदृढ़ किया जा रहा है। इवन इन प्रेजेंट टाइम्स टू वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर स्ट्रेटेजिक कल्चर। सामरिक संस्कृति को सुदृढ़ किया जा रहा है, इसलिए 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की गई, या 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाई गई। इन ईयर 1998 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वॉज सेट अप इन इंडिया, इसलिए 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाई गई। तथा वर्तमान में सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए फॉर क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस इन द मिलिट्री, इसे वर्तमान में सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है। We are focusing over the program of Make in India for self-reliance in military. इसलिए सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए Make in India कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है, तथा अमेरिका के साथ सामरिक संबंध प्रगाढ़ किए जा रहे हैं। वी आर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के साथ सैन्य सामरिक संबंध को सुदृढ़ किया जा रहा है। तो ये कहना, देयरफॉर इट्स नॉट जस्टिफाइड दैट इंडिया इज नॉट हैविंग अ स्ट्रेटजिक कल्चर। अभी तो स्ट्रेटजिक कल्चर है हर मामले में। आप देखेंगे कि वो हम इंस्टीट्यूशन बताएंगे, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, हम इंस्टीट्यूशन आपको बता देंगे। अभी तो हमारे यहाँ सोच के संदर्भ में
और कहा भी जाता है इवन देयर आर वेरियस थिंक टैंक्स लाइक इंडियन डिफेंस इंडियन स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस एनालिसिस जो कई इंस्टीट्यूट ऐसे बने हुए हैं जो हमेशा सामरिक और सुरक्षा के मामले पर सरकार को सलाह देते हैं और ये अपनी स्पष्ट ओपिनियन रखते हैं। इस वजह से माना जाता है कि आलोचना पूरी तरह पर जस्टिफाइड नहीं कि इंडिया इज नॉट हैविंग अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजिक कल्चर, अभी तो प्रभावी तौर पर इसको हम लेके जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये इंडिया के हिस्ट्री का परिणाम है। तो सवाल है कि इतिहास ने, अब देखिए दो तरीके से उसका एनालिसिस होता है। कुछ लोग कहते हैं नो वी इंडिया इज स्टिल कीपिंग द हिस्ट्री ऑफ पास्ट, तो हमारे पास जो हिस्ट्री पहले के अतीत था गुट निरपेक्ष विदेश नीति, गुट निरपेक्षता का मतलब आगे आपको बता देंगे, गुट निरपेक्ष विदेश नीति, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, इसको हिस्ट्री ऑफ पास्ट में ले जा रहे थे क्योंकि पहले से हम बना चुके थे। लेकिन ये बात सच नहीं है। इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1998, और अपने अभी न्यूज़ में सुना होगा, अब न्यूज़ में केवल ऐसी एक आध लाइन अपडेट होती है, बाकी चीज़ें थोड़ी बदलती है, फॉरेन पॉलिसी में कभी नहीं बदलती। अब एक आध लाइन अपडेट आप ऐसे कर सकते हैं, इंडिया मेड ए न्यूक्लियर ट्रायड, 98 में हमने परमाणु परीक्षण किया, तो परमाणु परीक्षण किया है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटजिक कल्चर। तो सुरक्षा के लिए हम दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, ये बात थंब रूल आप याद रखिए। स्ट्रेटजिक कल्चर में कभी भी लड़ाई अपने बूते पे करिए, लड़ाई आपने दूसरे से कर ली और दूसरे के भरोसे युद्ध में पिटना तय। दूसरा उस समय आएगा जब आप पिट कूट चुके होंगे। यूनिवर्सिटीज में कई ऐसी लड़ाइयाँ होती थी जहाँ लोग दोस्तों के भरोसे पंगा ले लिया और पिट जाने के बाद दोस्त आए, उसके बाद पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या पिट गए वो, उसके बाद देखो क्या हुआ। इसलिए आप याद रखिए, आप लड़ाई करिए तो अपने भरोसे पे, अपने भरोसे पर लड़ाई करिए, दूसरे के भरोसे पे नहीं। एंड रिमेंबर वन फॉर्मूला, अपना हाथ जगन्नाथ। अब आपको लगता है दिल्ली पुलिस के भरोसे पे लड़ाई कर लिया पिटना तय, दोस्तों के भरोसे लड़ाई पे गए, अपने भरोसे पे करिए काम। स्ट्रेटजिक कल्चर, तो अभी हम देखे अग्नि बना लिया, आईएनएस अरिहंत है, अग्नि बना लिया, इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन्स अभी आर्मी के पास भी है, एयरफोर्स के पास भी है, सुखोई में अग्नि को लगाया है, उसके बाद अग्नि में परमाणु बम को लगाया हुआ है, ब्रह्मोस में फिर न्यूक्लियर वेपन्स को लगा रखा है, और आईएनएस अरिहंत नेवी में। ये न्यूक्लियर ट्रायड, सो द स्ट्रेटजिक कल्चर, और स्ट्रेटजिक कल्चर में मॉरलिटी नहीं चलेगा दोस्तों, इनके साथ नहीं जा सकते, उनके साथ नहीं जा सकते, जिसके साथ फायदा हो सभी के साथ जा सकते हैं। बिकॉज यू हैव टू लर्न अ थंब रूल इन फॉरेन पॉलिसी, नो बडीज परमानेंट फ्रेंड एंड नो बडीज परमानेंट फोर्स, न कोई स्थायी मित्र होता है न कोई स्थायी शत्रु होता है, एक ही चीज स्थायी है, वो क्या है, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, ओनली वन थिंग इज इंपॉर्टेंट। इस यहाँ पे देखिए, अब ऐसा नहीं कि अच्छा हम दोस्ती कैसे करते हैं, दोस्तों हमारे अंदर खुद ही स्ट्रेटजिक थिंकिंग का अभाव है, हम दोस्ती कैसे करते हैं, पहली नज़र में कोई पसंद आ गया तो दूसरी नज़र में चला जाएगा, ये कौन सी बात है, पहली नज़र में पसंद आ गया, ये फिल्मी दुनिया से मत चलिए, हमेशा थिंक स्ट्रेटजिकली कि जो हमारी सुरक्षा में मदद आ सकता है, जो हमारे साथ महत्वपूर्ण है, जो फायदा दे वो दोस्त है, अभी नहीं पहली नज़र में पसंद आ गया, ये तो भावनात्मक कूड़ेदान से बटा के फेंक दीजिए, किसी को दिल दे दिया बेकार की बात है, चक्कू दिया समझ में आता है, दिल दे दिया, दिल ले लिया, ये सब कौन सी बात है। देयरफॉर यू आर लैकिंग स्ट्रेटजिक कल्चर हमेशा, और दोस्ती शक्तिशाली व्यक्ति करें कमजोर व्यक्ति, और याद रखिए ये तो नहीं ना हम अकेले चलेंगे और अकेले चलते वीर गति को प्राप्त होंगे, नहीं नहीं शक्तिशाली दोस्तों के साथ रहिए, प्रोटेक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन तो कई लोग कहते हैं इतिहास का प्रभाव हमारे ऊपर गलत तो नहीं पड़ गया, वो ठीक है सॉफ्ट फॉर्थ हमने बढ़ाया, योगा हो गया, कल्चर हो गया, आध्यात्मिक देश हो गया, इन सब चीज़ों से आपने सुरक्षा कहाँ बनाई। लेकिन अब याद रखिए दोनों चीज़ों को विरोधी देखना ठीक नहीं है। आज भी आप याद रखिए बंदूक हमेशा होनी चाहिए, हमेशा चलनी नहीं चाहिए। जिनके पास बंदूक होगी वो जरा याद करें, कभी चलती है क्या बंदूक, गन तो ले लिया लेकिन गन चल कहाँ रही है, शादी की पार्टी में, और शादी की पार्टी में न्यू ईयर की फायरिंग हो गई दोस्तों, शादी की पार्टी में दीपावली में गन चलती है, दोनों गन खरीदने का पर्पस बिल्कुल नहीं होता। गन रखिए चलाइए मत, क्योंकि गन रखना ही दुश्मन को डिटरेंस कर देगा, डिटरेंस दुश्मन आप पर वार करने से डरेगा, दैट इज यूज ऑफ गन। और गन रख के आप देख लीजिए, गन आपके पास है और आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने बाइक से धक्का मार दिया
और आपने सोचा अब मैं इसको पीटूंगा, और जैसे आप उठे उसने देखा कि दाहिनी तरफ बंदूक लटक रही है, कहा कोई वो होता है, होता है, होता है, जा ऐसा ऐसा हो जाता है। गन ने आपके गुस्से को दो मिनट में शांत कर दिया, इसलिए देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ गन। तो हम राफेल इसलिए नहीं लड़ने का लड़ना है, नहीं लड़ना नहीं है, राफेल इसलिए लड़ रहे हैं कि लड़ने की तैयारी हमेशा रखनी है। लड़ने के मामले पे दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। 1962 में वॉर हुआ, 1962 में वॉर हुआ तो एक देश हमारे साथ नहीं आया, नॉट अ सिंगल कंट्री केम विच कैन रेस्क्यू द इंडिया, कोई साथ आया नहीं हमको बचाने के लिए, अपने से लड़ना पड़ा। ये होती है दोस्तों, 1971 के बारे में लड़ना तो अपने से पड़ा, लेकिन रसिया ने बैक से पीछे से उस सपोर्ट किया था। तो दोस्त रखिए फिर भी अपने ऊपर भरोसा रखिए। कुछ लोग कहते हैं नो देयर इज अ बैड इंपैक्ट ऑफ हिस्ट्री, एक शांतिवादी बना दिया, गुट निरपेक्षता की नीति अपना दी, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हथियार परमाणु हथियार नहीं लेंगे, ये हमने कहा था, बुद्ध के देश हो गए दोस्त, परमाणु हथियार नहीं लेंगे, बुद्ध बाबा ने कहा था शांति शांति, हमने गांधी बाबा ने, अच्छा हमको गलतफहमी कैसे, गांधी बाबा लाठी से देश आजाद करा दिया दोस्त। हमने सोचा लाठी से अगर ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई हो सकती है फिर तो लाठी से दुनिया साम्राज्य खत्म हो सकता है, ये दैट वाज अ मिसकंसेप्शन। शांति से दुनिया चल सकती है, उम्मीद ऐसा रखिए, लेकिन बंदूक रख के शांति बनाने का प्रयास करिए, बिना बंदूक का नहीं। मेरे गांव में एक व्यक्ति थे, जहां झगड़ा हो जाता था मध्यस्थता करने जाते थे, खुद पिट के चले जाते थे। अगर ऐसा करना है तो आप कर लीजिए, इसलिए यू मस्ट हैव ए स्ट्रेटजिक कल्चर कि कौन सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, किसको हमें कैसे करना है, किसको पीछे करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट डिटरमाइनिंग प्रिंसिपल क्या होगा, नेक्स्ट डिटरमाइनिंग प्रिंसिपल, हाँ बताइए, यही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा था। सामरिक शाब्दिक का मतलब है तो जो भी सुरक्षा को बढ़ाए, जो भी सैन्य शक्ति को बढ़ाए, और या जो भी राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाए, उसका मतलब सामरिक है। सामरिक कई मतलब है, जैसे कि अब मान लीजिए कि आतंकवाद के खिलाफ किसी के साथ समझौता हुआ सामरिक, सैन्य समझौता भी सामरिक समझौते का पार्ट बन जाता है, बिकॉज विदाउट मिलिट्री यू कांट सिक्योर अ कंट्री। लेकिन केवल सैन्य समझौता है, सामरिक में नहीं होता। तो सामरिक का मतलब होता है जो भी मुद्दा जो सुरक्षा से जुड़ा हो, सैन्य शक्ति से जुड़ा हो। अब जैसे कई बार होता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जैसे कई बार होता है कि खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, दे कम्स विद इन द सामरिक कोऑपरेशन, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन, ये सामरिक का मतलब है। और बाकी थोड़ी बता दिया कि भूमि का मतलब सामरिक हो सकता है, और कई बार तो आप देखेंगे कई बार आर्थिक और सामरिक में थोड़ा, यदि हम अभी अंतर क्लियर कट आपको बता देंगे, लेकिन कई बार आप देखेंगे अब सड़क बनाना सामरिक है कि आर्थिक। अगर सड़क को कारगिल में बन रही तो क्या होगा, सामरिक, स्ट्रेटजिक, यही मतलब होता है। स्ट्रेटजिक का मतलब जो सुरक्षा से जुड़ा हो वो स्ट्रेटजिक होगा। तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट नेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास भी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है, डिटरमाइन करता है। अब देखिएगा आर्थिक विकास में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। आर्थिक विकास में फिर आपको बता दें, इंडिया के पास पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, साइज इतनी बड़ी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी अभी भी आप देखेंगे भारत दुनिया की कौन सी बड़ी इकोनॉमी बन गया, सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया बिकेम ए सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर जनसंख्या दूसरी है तो स्वाभाविक रूप में सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी ठीक नहीं है, हमें तो और आगे आना चाहिए। इस वजह से आप देखेंगे इसका मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कई इसके एलिमेंट है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वी मस्ट हैव वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा दूसरा इकोनॉमी अच्छा होने का मतलब है वी शुड अट्रैक्ट मोर एंड मोर FDI, यही तो फॉरेन पॉलिसी के प्रोजेक्ट है। और आप देखेंगे हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए मोर देन $1 trillion इज नीडेड, मतलब $1 trillion हमारे पास पूरा आ जाए तब तो हम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे। अभी देखिए पूरे देश में पूरी सड़कें खुद गई हैं, हाई स्पीड ट्रेन होनी चाहिए, बुलेट ट्रेन तो ही मुंबई गुजरात के बीच में, भारत जैसे बड़े देश में दोस्तों यार सोच के देखिए इकोनॉमी कितनी बैड शेप में है, इतना बड़ा मार्केट हो और लोग ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं उनका टिकट नहीं मिल पाता, अजीब सी बात आपको नहीं लगती।
वही मार्केट यानी हम कोई चीज सामान खरीदने के लिए बैठे हुए हैं, उपभोक्ता सामान खरीदने के लिए मारामारी कर रहा है और बनाने वाला दे नहीं पा रहा है, दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ ऑल। और देखेंगे इसके लिए इसके इकोनॉमी कैसी, इकोनॉमी बहुत सारे फैक्टर है, ईज इन डूइंग बिजनेस, आप इन्वेस्टमेंट अगर आपको आकर्षित करना है तो अपने साथ उदारवादी तरीके को और उदारवादी बनाइए, जिससे हम बिजनेस को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। और अब देखेंगे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, जैसे कि देशों के ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करिए, मुक्त व्यापार का समझौता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, एनर्जी सिक्योरिटी दैट इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, और मेक इन इंडिया दैट इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। अगर मेक इन इंडिया बनाना है तो देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना पड़ेगा, और मेक इन इंडिया फिर आपको बनाना है तो दैट इज़ ऑल्सो नीडेड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की बड़ी मात्रा भी हमें चाहिए, जैसे हम कम से कम भाई ऊर्जा तेल गैस की बहुत बड़ी मात्रा चाहिए, और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनर्जी सिक्योरिटी का ही पार्ट होता है। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे उसके मायने हैं, तो कई बार एग्जामिनर क्या होता है एक ही शब्द को उठा के पूछ देगा वो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपने आप में हमारा निर्यात बढ़े, वी शुड प्रमोट एक्सपोर्ट, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, हमारे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, हमारे एनर्जी सिक्योरिटी हो। एनर्जी सिक्योरिटी के बड़े सारे डायमेंशन है। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब है कि हमारे पास न केवल पर्याप्त एनर्जी हो बल्कि दैट सप्लाई ऑफ एनर्जी शुड बी नॉट इंटरप्टेड बाई एनी फोर्स, वो किसी से बाधित नहीं होनी चाहिए पहला। दूसरी बात, एनर्जी सप्लाई हमारे होती रहे, वी शुड नॉट डिपेंडेंट ओवर वन सोर्स ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी के एक ही स्रोत पर निर्भर ना हो जाएंगे, जैसा कि अब कोई हो जाए कि अभी तो हम वी आर ओवर डिपेंडेंट अपन कोल, दैट शुड नॉट देयर। भाई कोल के लिए कल खत्म हो गया, कल कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए दोस्त एक होना चाहिए ज़्यादा। इसे फॉरेन पॉलिसी पढ़ने का अगला फायदा आपके जीवन में कैसे आएगा, दोस्त ज़्यादा क्यों होने चाहिए। कई लोग क्या कहते हैं कि मतलब एक चला गया तो हम जीवन में देवदास बन जाएंगे, बेकार की बात है। फॉरेन पॉलिसी ना पढ़ने, यू मस्ट हैव मल्टीपल ऑप्शंस, एक गया दूसरा, अच्छा दूर निरीक्षण होता। कई लोग दोस्त हटने से देवदास बन जाते, कई लोग दोस्त हटने से चक्कू लेकर, मेरा नहीं तो किसी का नहीं, पेटेंट करा के आया क्या तुम्हारा, नहीं किसी का नहीं, बेकार की बात करती हो। इसे याद रखिए, अगर एक दोस्त खिसक गया आप दूसरे ऑप्शन पर विचार करिए बजाय उसके ऊपर एनर्जी खर्च करने के बजाय। बी प्रैग्मेटिक, कोई संबंध हमेशा नहीं चलता और ना उसकी अपेक्षा करिए। इसे लर्न समथिंग फ्रॉम शशि थरूर, सुना है कुछ आपने उनके बारे में? शशि थरूर, उनके चार पांच शादी हो चुकी है, अगले तैयारी कर रहे हैं वो। तो एनर्जी सिक्योरिटी में क्या होता है, और एक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए, एक देश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान से तेल मंगा रहे थे और खाशोगी के मामले ईरान पर रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो वी मस्ट हैव अल्टरनेटिव ऑफ ईरान। एक देश पे नहीं, एक स्रोत पे नहीं और एक रीजन पे नहीं, इसलिए हमारे पास और एक एनर्जी के मल्टीपल होने चाहिए। और इतना ही नहीं, वी शुड हैव सम स्टॉक ऑफ एनर्जी, जैसे वॉर लड़ने के लिए 40 दिन का आर्म्स चाहिए, वैसे वॉर के लिए आपके पास स्टॉक पाइल होना एनर्जी का। कल के लिए वेस्ट एशिया में इंडियन ओशन में कोई झगड़ा हो गया, सप्लाई ऑफ ऑयल विल बी ऑटोमेटिक डिसरप्टेड, हमारे पास कंजम्पशन तो होना चाहिए, बाकी कल तो आप पढ़ के आप आइएगा। इसलिए मैं लिखवाऊंगा नहीं फॉरेन पॉलिसी में, केवल क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा आप लिखा।